सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम कोई भी ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सेंसर्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होता है और उसमें एक्चुएटर होते हैं। एक्चुएटर के बारे में कौन बताएगा? पास पेपर आज से ही स्टार्ट होंगे, जैसे जैसे टॉपिक कवर करते जाएंगे उसके पास पेपर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो एक्चुएटर के बारे में कौन बताएगा? व्हाट इज एक्चुएटर? हम टॉपिकली करेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो चैप्टर 6 के जो भी पास पेपर के क्वेश्चन हैं वो हम आज ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी मिनत, आप बताइए। एन आउटपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल मूवमेंट। ठीक है, एक आउटपुट डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करती है, ये चीज भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू मैकेनिकल मूवमेंट। आगे हम बात करेंगे सम एप्लीकेशन एरियाज जहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम इस्तेमाल हो सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर मौजूद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंडस्ट्रियल के अंदर भी आपके पास एप्लीकेशन है ऑटोमेटेड सिस्टम की, और ट्रांसपोर्ट की, एग्रीकल्चर की, वेदर, गेमिंग, लाइटिंग और साइंस। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था अबाउट दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम, सो उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जितनी भी एप्लीकेशन एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल की बात कर लो, ट्रांसपोर्ट की बात कर लो, तो आपको एटलीस्ट इसके कम से कम दो दो एडवांटेजेस और दो दो डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। सिलेबस में आपको फॉर ऑल दीज ऑटोमेटेड सिस्टम सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। तो अब हम अगर बात करें जनरलाइज, अगर हम बात करें कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो एडवांटेज है वो ये है कि मच फैस्टर। ऑटोमेटेड की अगर हम बात करें देन अ ह्यूमन ऑपरेटर टू टेक एनी नेसेसरी एक्शन, एक तो ये बात हो जाएगी कि ये फैस्टर इन ऑपरेशन होते हैं। देन दे आर सेफर, सेफर इन केस के कुछ ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सिनारियोज जहाँ पे ह्यूमन लाइफ का रिस्क हो, कोई केमिकल प्लांट हो सकता है, ठीक है, तो वहां पर डेंजरस इन्वायरमेंट से बचाने के लिए ह्यूमन को आप ऑटोमेशन वहां कर सकते हो, ठीक है। तो दो या तीन पॉइंट्स इसके इनफ होंगे। उसके अलावा हमने बात की थी कि इन द लॉन्ग रन अगर हम बात करें इट इज लेस एक्सपेंसिव, ये लेस एक्सपेंसिव हो जाता है बिकॉज ये 24/7 24 आवर्स a day काम कर रहा होता है, तो ये इसकी प्रोडक्शन को बेहतर करता है, तो इसलिए यहाँ पे 24/7 करने पे इसकी हायर प्रोडक्टिविटी होती है। फिर आगे आ जाते हैं फॉर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। डिसएडवांटेज इसका हो सकता है साइबर थ्रेट, बिल्कुल सही, इसका साइबर थ्रेट भी हो सकता है क्योंकि फॉर दो सिस्टम्स विच आर सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट, दे आर मेकिंग यूज ऑफ द इंटरनेट, तो फिर वो सिस्टम साइबर अटैक्स के भी शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ एक्सपेंसिव टू सेटअप इन द फर्स्ट प्लेस एंड नीड्स कंसिडरेबल टेस्टिंग, तो एक तो ये होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम इन सिस्टम्स को लगाते हो तो फिर वहां पे दे आर एक्सपेंसिव, फिर वहां पे ये एक्सपेंसिव होते हैं फर्स्ट प्लेस में बिकॉज जो भी इक्विपमेंट कॉस्ट होती है वो जो होती है वो सही नहीं, मतलब ये के इक्विपमेंट कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, तो इनिशियली वो आपके लिए जो है ना मुश्किल हो सकता है। फिर उसके अलावा इनहांस मेंटेनेंस होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज यहाँ लिखा हुआ है ऑटोमेटेड सिस्टम ऑलवेज नीड इनहांस मेंटेनेंस विच कैन बी एक्सपेंसिव, जब आप सिस्टम्स लगा लेते हो तो फिर उनकी मेंटेनेंस जो होती है वो मुश्किल होती, मतलब ये कह सकते हो कि दे आर एक्सपेंसिव, तो उसके ऊपर भी आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और फिर उसके अलावा जो हमने बात की थी दैट इज एनी एनी कंप्यूटराइज सिस्टम इज सब्जेक्ट टू द साइबर अटैक्स नो मैटर हाउ गुड द सिस्टम,
तो कितना भी अच्छा सिस्टम हो, साइबर अटैक सिस्टम के ऊपर हो सकते हैं। इन चीजों को करने के बाद फिर हम आगे चले गए थे टू दी रोबोटिक्स। हु विल गिव मी द डेफिनेशन ऑफ द रोबोटिक्स? रोबोटिक्स की डेफिनेशन कौन देगा? यस, इज गोइंग टू गिव द डेफिनेशन फॉर द रोबोट। रोबोट के अंदर जो क्वेश्चन आ जाता है वो रोबोटिक्स का आ जाता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट का आता है। तो इसके बारे में कौन बताएगा? रोबोट्स के हमने बारे में बात की थी कि रोबोटिक्स की अगर हम बात करें तो रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, यहां से, इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट ब्रिंग्स टुगेदर द डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स। जहां पर आप बात किस किस चीज की कर सकते हो कि सबसे पहले डिजाइन की बात करते हो, रोबोट बनेगा कैसे, डिजाइन उसका, ठीक है, और फिर कंस्ट्रक्शन, उसको फिजिकल डिजाइन करना, और कंस्ट्रक्शन के बाद उसका ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ रोबोट। तो इन तीनों चीजों की बात अगर आप करते हो तो देन यू आर टॉकिंग अबाउट द रोबोटिक्स, ये चीज हो जाएगी। तो ये जो आप कह रही हो, व्हाट इज द एग्रीकल्चर लाइटिंग एंड गेमिंग हेडिंग्स इन द बुक, ये ऊपर जब आपने ऑटोमेशन पढ़ी थी, ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर आपने देखा था कि 7 एप्लीकेशंस आर देयर जहां पर ऑटोमेशन हो सकती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें अगर आप जाके इंडिविजुअल पढ़ोगे, जैसे यहाँ देखो, ये तो मैंने आपको, यहाँ से देखो, ये वो एप्लीकेशन एरिया, ये तो इसमें आपको 7 एप्लीकेशन एरियाज नजर आ रहे हैं जहां पे आप ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि एक बार आप बुक को गो थ्रू कर लोगे, ठीक है, और अगर आप जैसे बात इवन कर रही हो इसी चीज की, लाइटिंग की बात कर रही हो, तो लाइटिंग के अंदर ऑटोमेशन वहां हो सकती है कि आप स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स ऑन एंड ऑफ सिस्टम लगा रहे हो, ठीक है, तो उसकी अलग से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नीचे दिए गए होंगे, तो मैं वही आपको दिखा देता हूँ। तो ये डिस्कस करने को, तो मैंने यही कहा था आप लोगों से कि इसको थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ लेना है। तो ये बेसिकली जैसे हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पढ़ते थे, कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में क्या होता था कि सेंसर्स इस्तेमाल होते थे, ठीक है ना? जस्ट अ मोमेंट। वालेकुम असलम, ठीक है यूसुफ, गो अहेड। तो ये हो जाएगा। तो अब लाइटिंग की अगर हम बात करें तो लाइटिंग सेंसर्स एंड मोशन सेंसर्स और इंफ्रारेड सेंसर्स, ये डिफरेंट सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं। यानी लाइटिंग के लिए आपको स्ट्रीट लाइट्स पे जाके खुद से लाइट्स को ऑन एंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लाइट सेंसर्स लगे हुए, मोशन सेंसर्स लगे हुए और इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए। अब ये तो एक उसने पूरा प्रोसेस बताया है, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो सिंपल आसान सा प्रोसेस है कि लाइट सेंसर्स का इस्तेमाल करोगे आप, ठीक है, और आप इस्तेमाल करोगे इंफ्रारेड सेंसर का। तो उससे क्या होगा, एक इंटरफेस होना चाहिए। इंटरफेस का मतलब कोई भी एलईडी स्क्रीन हो सकती है, कोई कीबोर्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी लाइट्स लगी हुई है, तो इन सिक्योरिटी लाइट्स ये किस पे काम करेंगी? ये काम करेंगी कि जैसे ही आपके पास रोशनी ज्यादा हो जाएगी सुबह के टाइम पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के बाद, तो ये स्ट्रीट लाइट को ऑफ कर देंगी। और अगर फिर उसके बाद शाम की बात करते हैं, यानी शाम के टाइम पे जब लाइट कम होगी तो स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और सुबह के टाइम पे जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो स्ट्रीट लाइट ऑफ हो जाएगी। तो इसमें अब यहाँ देख लो, जो लाइटिंग का सवाल था कि ये हेडिंग्स क्या काम करनी है, तो मैंने ये बात कही थी कि मैं अगर इनकी अलग अलग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में जाऊंगा तो इट वुड टेक मच टाइम, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। और नॉर्मली जो हम ऑटोमेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख रहे होते हैं वो इसमें रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें लाइटनिंग सिस्टम की, तो लाइटनिंग सिस्टम का देखो फायदा क्या हो सकता है कि इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल लाइट सोर्स ऑटोमेटिकली, एक काम ये है। इट रिड्यूसेस एनर्जी कंजम्पशन, अगर आप लाइटनिंग सिस्टम को ऑटोमेटेड करोगे तो आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगी, ठीक है। वायरलेस कनेक्शन कैन बी चूजन, जो कनेक्शन होंगे लाइट के वो वायरलेस हो सकते हैं, तो वायरलेस कनेक्शन कैन बी चूजन विच आर मच सेफर, तो वो सेफर होंगे इन केस ऑफ वायर्ड, क्योंकि वायर्ड के अंदर तो चांसेस होते हैं, वायर्स होते हैं बहुत सारे, तो फिर वो नो ड्रिलिंग वायर्स, ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो इसके साथ, कि
कि बहुत सारे वायर्स होते हैं तो वो उलझ जाते हैं, ठीक है, तो उनकी कॉस्टिंग भी एक अलग चीज होती है। और उसके अलावा क्या है कि लॉन्गर बल्ब लाइफ ड्यू टू डिमिंग और स्विचिंग ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। तो समटाइम ऐसा है कि अगर ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप खुद से लाइट ऑन एंड ऑफ करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप लाइट ऑफ करना भूल जाओ, तो फिर वो एफिशिएंट यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चार चार लिखे हुए, चार्जर लाजिम नहीं है, आप दो दो हर एप्लीकेशन के हिसाब से भी याद करके लिख लोगे तो आप डेफिनेटली पेपर में आप इजिली कर पाओ। इस सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि इनिशियली तो कोई भी सेटअप आप लगाओगे जिसको ऑटोमेशन पे रखोगे वो एक्सपेंसिव होता है फर्स्ट प्लेस में। तो ये तो ऑटोमेशन का वैसे ही एक जनरल डिसएडवांटेज है, तो वो आप यहाँ लाइटनिंग में भी डाल सकते हो। फिर इसी तरह देखो, जैसे हमने उसी में पढ़ा था ऑटोमेशन में कि जो भी वायरलेस सिस्टम होते हैं, ठीक है, तो वो थ्रेट हो सकती है, साइबर थ्रेट के, अगर कोई इसको ऑन कर देगा तो वो आपकी एनर्जी एफिशिएंट नहीं रहेगी, ये वाली बात भी हो सकती है। दूसरी बात जो हम बात करते रहते हैं ना कि अगर आप ऑटोमेटेड सिस्टम लगाओगे लाइटनिंग के लिए तो फिर उसकी भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है, विच कैन बी एक्सपेंसिव, ये भी इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। तो ऑटोमेशन का डिसएडवांटेज उसकी एप्लीकेशन एरियाज में कहीं ना कहीं फिट हो जाए, ठीक है, तो ये चीज भी हो सकती है। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ टू द रोबोटिक्स। हमने बात की थी कि रोबोटिक्स इज वॉट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट ब्रिंग्स टुगेदर द डिजाइन, जहां पर हम बात करते हैं कि रोबोट डिजाइन कैसे होगा। डिजाइन का मतलब ये कि उसका प्रोटोटाइप बनाना, उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाना। कंस्ट्रक्शन का मतलब हार्ड कॉपी उसकी, यानी वो बनेगा फिजिकल, उसकी अपेयरेंस कैसी होगी और आखिर के अंदर वो काम कैसे करेगा। व्हाट डू यू थिंक एक रोबोट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? उससे पहले चलो एक यहीं पे देख लो स्क्रीन पे कि हमने बात की थी कि रोबोट्स की तीन एप्लीकेशन एरियाज होते हैं, एक तो आपके सामने है, व्हाट आर द अदर टू, और उसके अलावा दो कौन से हो सकते हैं? होम एंड ड्रोन सर। यस, एट होम हम यूज कर सकते हैं, द सेकंड एप्लीकेशन एरिया इज द होम एंड द थर्ड एप्लीकेशन एरिया इज द ड्रोन्स, ठीक है। तो अब हमने जो बात की थी अबाउट द एप्लीकेशन एरिया नंबर वन, यहाँ पे भी मैंने आपसे कहा था कि आपने तीन तीन एप्लीकेशन एरिया जो है इसको याद रखना है, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो जाएगी, जस्ट अ मोमेंट। सो विद दीज एप्लीकेशंस देर आर थ्री एप्लीकेशंस विच इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस वेयर द रोबोट्स कैन बी यूज। सो दीज आर द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर आप रोबोट्स को इस्तेमाल कर सकते हो, और उन फैक्ट्रीज में फिर किन किन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? नंबर वन, वेल्डिंग द पार्ट्स टुगेदर, इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, स्प्रे पेंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और फिटिंग विंड स्क्रीन टू द कार। तो इसमें आप तीन भी याद कर लोगे तो आई थिंक दैट वुड बी मोर इनफ, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते, वी टॉक अबाउट दिस वन एप्लीकेशन एरियाज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रोबोट फॉर द होम। तो होम के अंदर ये किस किस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? दे आर यूज फॉर ऑटोनोमस फ्लोर स्वीपर्स, इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और फिर ये इस्तेमाल हो सकते हैं फॉर आयरनिंग रोबोट्स, ड्रेसमैन, ठीक है, इस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ऑटोमेटिक पूल क्लीनिंग के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं, और ऑटोमेटिक विंडो क्लीनर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसकी तीन एप्लीकेशन एरियाज ये भी आ सकती है। फिर हम जब बात करते हैं टू द नेक्स्ट ऑफ इट, अगले की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द ड्रोन्स। तो ड्रोन्स में हमने बात की थी कि पार्सल डिलीवरीज के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, आप देख सकते हो द फर्स्ट पॉइंट आई हैव मेंशन ओवर देयर इज कि दे कैन बी यूज्ड टू मेक पार्सल डिलीवरीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है, और दे कैन बी यूज्ड इन रेकोनेसेंस। इसके बारे में मैंने क्या बताया था आपको, व्हाट इज दैट रेकोनेसेंस, ये किस बात को बता रहा होता है? टेकिंग एरियल फोटोग्राफ्स वगैरह। इंडियन फोटोग्राफ्स के लिए, कि अगर आप देखना चाहते हो कि भाई दूर से लेट सपोज कोई हमला करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, या आप किसी भी चीज को बहुत दूर तक देखना चाहते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ द एरियल सिस्टम, तो फिर आप यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रहे होते हो। और इवन अब जो अनमैन एरियल व्हीकल्स हैं, ठीक है, वहां पे भी आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो रिमोटली कंट्रोल होती है, तो आपको वहां खुद प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है,
तो रोबोट्स आपके इन चीजों के अंदर भी इस्तेमाल हो जाते हैं। वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोबोट, एक रोबोट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो मैंने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द फर्स्ट वन, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कौन बताएगा? यस अस्का, वुड यू टेल मी अबाउट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोबोट, रोबोट की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? जी अस्का, आर यू देयर? एनीवन एल्स? सुहेल, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज मेरी आप लोगों तक पहुंच रही है? ठीक है जी, कौन बताएगा अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट? जस्ट अ मोमेंट। एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, ठीक है, कि आप नंबर वन जो चीज होती है वो होती है एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग, सराउंडिंग का वो सेंस करता है। नंबर टू द डिग्री ऑफ मूवमेंट, कि वो मूव कर सकता है। और नंबर थ्री जो हो सकती है दैट इज प्रोग्रामेबल, कि कोई भी जो रोबोट आपका होगा वो प्रोग्रामेबल होगा, तभी जाके वो रोबोट जो है वो ठीक से काम करेगा। तो इसके अंदर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आपने अगर ये सिर्फ ये दो यानी पॉइंट्स में लिख दिया, आपने आपने सिर्फ जैसे ये लिख दिया कि एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग, ठीक है, इससे बात नहीं बनेगी। आपने जब लिखना है, ठीक है, तो फिर आपने पूरा इसको प्रॉपर लिखना होगा कि ये किस तरह से जो है वो काम करता है। यानी इसकी जो पहली बात आप लिख रहे हो वो पूरी आपने होगी एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग, आपने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो आप अगली बात करोगे वो क्या करोगे? उसके साथ आपने कंटिन्यू करना है कि दिस इज डन थ्रू द सेंसर, ठीक है। तो ये सेंसर के जरिए हो सकता है कि वो सराउंडिंग को कैसे सेंस करेगा, लाइट प्रेशर टेम्परेचर सेंसर के जरिए, तो जाके ये एक बात बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है डिग्री ऑफ मूवमेंट, आपका रोबोट जो है वो मूव करते हुए होना, मूव उसको करना चाहिए, तो उसके लिए वो किस किस चीज का इस्तेमाल कर सकता है? वो व्हील्स का इस्तेमाल कर सकता है, वो पिस्टन का इस्तेमाल कर सकता है, वो गियर्स का इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो टर्न कर सके, ठीक है, वो ट्विस्ट कर सके, वो मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर सके। ये बातें भी हमने डिस्कस की थी। और रोबोट जो भी आप बनाते हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज ये भी होती है कि वो प्रोग्रामेबल होना चाहिए, यानी उसमें कोई सर्टेन प्रोग्रामिंग होगी तभी वो ठीक से काम कर पाएगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग होगी सर्टेन तो उसके बाद काम करेगा। तो दे हैव अ ब्रेन नोन एज कंट्रोलर, तो वो प्रोग्रामेबल होगा उसी वक्त जब उसके अंदर कोई ना कोई सर्टेन इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी, तो उन्हीं एक्शंस के ऊपर वो काम करना शुरू करेगा। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अच्छा, मैंने उसके अलावा आपको ये बात बताई थी कि रोबोट्स के अंदर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रोबोट्स की दो बातें हम करते तो हैं, बट जो सॉफ्टवेयर रोबोट्स हैं, एट इज मेंशन ओवर दियर कि जो सॉफ्टवेयर रोबोट्स होते हैं वो ट्रू रोबोट्स नहीं होते, ठीक है। सॉफ्टवेयर रोबोट्स करते क्या हैं? सॉफ्टवेयर रोबोट्स आपके पास क्रॉलिंग कर लेते हैं। क्रॉलिंग का मतलब ये है कि जो सर्चेज आप लिखते हो, जो आप सर्च करते हो चीजें ओवर द इंटरनेट, तो वो ये चीजें देख रहे होते हैं कि जो सर्च आपने की है क्या वो सर्च रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। अगर वो सर्च रिजल्ट आपको मिल रहे होते हैं तो ठीक है, और अगर वो सर्च रिजल्ट आपको नहीं मिलते तो ये बॉट्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ मेंशन हुआ हुआ है अबाउट दिस, ये रहा, सर्च इंजन बॉट्स कहलाते हैं, ठीक है, और वेब क्रॉलर्स कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं? तो ये वेबसाइट्स को स्कैन करते हैं एंड देन दे कैटेगराइज एज पर द सर्च। तो जो भी आप सर्च कर रहे होते हो तो वो उनको प्रॉपर तरीके से जो भी रैंक देना होता है वेब पेजेस वो दे रहे होते हैं। हमने बात की अबाउट द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट रोबोट। डिपेंडेंट रोबोट नाम से जाहिर हो रहा है एक ऐसा रोबोट जो जिसको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत हो। डिपेंडेंट की मैंने एक एग्जाम्पल ली थी कि जब आप फिट कर रहे हो तो विंड स्क्रीन, ठीक है, तो विंड स्क्रीन फिट करते हुए अगर आप सिंपल रोबोट को
दे देते हो कि भाई रोबोट ये वाला काम करे, तो हो सकता है कि रोबोट का जो प्रेशर अप्लाई हो वो ज्यादा हो जाए और फिर आपको नुकसान उठाना पड़े इन दी केस कि आपकी विंडो स्क्रीन टूट जाए। तो इसलिए फिर आपको यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है, जिसके अंदर जब वो फिट करने आ रहा होता है रोबोट स्क्रीन, तो ह्यूमन भी वहां पे मौजूद होता है जो बेहतर तरीके से उस स्क्रीन को फिट करने में मदद देता है इन द कार। तो ये चीज एक और थी इसके अंदर, डिपेंडेंट रोबोट्स के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज थी, ये बात हो गई थी, तो इसमें बताया था कि डिपेंडेंट रोबोट्स हैव अ ह्यूमन हु इज इंटरफेसिंग डायरेक्टली विद द रोबोट। तो यहाँ पे रोबोट के साथ ह्यूमन होगा, तो वो ह्यूमन कैसे हो सकता है, वो कंट्रोल पैनल के जरिए भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी कंट्रोल पैनल के जरिए वो रोबोट्स को जो है वो हो सकता है मैनेज कर रहा हो। बट वेन वी डिस्कस अबाउट द इंडिपेंडेंट रोबोट, तो इंडिपेंडेंट रोबोट वो होता है जिसका डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो दिस हैड टू बी ऑटोनोमस, फॉर एग्जाम्पल ऑटोनोमस व्हीकल। तो अगर आप बात करते हैं तो वो गाड़ियां जो ऑटोनोमस व्हीकल्स होती हैं जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, तो दे आर द ड्राइवलेस कार, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी को टोटली रिप्लेस कर देती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता, आप सिंपल सोर्स से बैठते हो एंड देन डेस्टिनेशन डालते हो, तो वो आपको डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। तो इसी तरह जैसे हमारे पास ऑटोमेशन, जो हमने ऑटोमेटेड सिस्टम पढ़े थे, उसके कुछ एप्लीकेशन एरियाज थे, इसी तरह रोबोट्स की भी कुछ एप्लीकेशन एरियाज हैं। तो रोबोट्स भी इंडस्ट्री के अंदर, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, डोमेस्टिक और एंटरटेनमेंट में इस्तेमाल हो सकता है, और उसके फिर इसी तरह से रोबोट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। मैंने आपसे रिवीजन गाइड लास्ट क्लास में शेयर की थी, और उस रिवीजन गाइड में पूरे पूरे आपको दो दो तीन तीन पॉइंट्स मिल जाएंगे अबाउट ईच जो भी आपकी एप्लीकेशन एरियाज है उनकी। अब हम अगर रोबोट्स की बात करते हैं, मैं सिर्फ एक जनरलाइज एडवांटेज ऑफ रोबोट की अगर बात करूं, तो रोबोट्स क्या क्या कर सकते हैं। रोबोट्स 24/7 काम कर सकते हैं, ठीक है, ये काम है। लॉन्ग रन के अंदर जब आप, एक बार तो एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में उसको चलाते हो तो फिर आपके रोबोट्स जो हैं वो आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़ते, बिकॉज फिर वहां पे आपको फ्यूअर सैलरीज देनी पड़े, मतलब आपकी सैलरीज कम हो जाएंगी क्योंकि रोबोट्स आप रख लोगे, तो रोबोट्स को आपको सैलरी रख देने की जरूरत नहीं होती, ह्यूमन होगा तो ह्यूमन को पे करने की जरूरत होगी। तो रोबोट्स आर मोर प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो बाय मेकिंग यूज ऑफ रोबोट, तो वो आपको इनएक्सपेंसिव पड़ती है, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। उसके बाद रोबोट्स आर बेटर सुटेड टू बोरिंग रिपीटेटिव टास्क, ऐसे टास्क जो बोरिंग और रिपीटेटिव होते हैं, तो फिर वहां पर रोबोट जो है वो आपको शिकायत नहीं करते कि रोबोट जो है वो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर इजीली काम कर लेते हैं। जब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज में ये आ सकता है कि इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हो, तो हायर अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, ये किसका रिस्क हो सकता है। एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ डीस्किलिंग। डीस्किलिंग का मतलब ये होता है कि एक अगर कोई जॉब है, ठीक है, तो वो जॉब, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था, डीस्किलिंग से मुराद क्या है कि अब ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है, ड्रोन से पहले क्या होता था, ड्रोन्स का इस्तेमाल तो अब हो रहा है, ड्रोन से पहले क्या होता था। हाँ जी, आई नीड टू, ड्रोन से पहले नहीं, ये तो नहीं है, मुझे जरा माइक पे आंसर चाहिए। ड्रोन से पहले क्या होता था, जो शॉट्स लिए जाते थे नेशनल ज्योग्राफिक अगर आप देखते हो, तो वहाँ क्या चीज आप एक्सपीरियंस करते थे, एयरप्लेन होता था, ठीक है ना, तो आप देखते थे कि एक हेलीकॉप्टर होता था, ठीक है, हेलीकॉप्टर होता था, और हेलीकॉप्टर में एक कैमरामैन होता था, ठीक है ना। तो अब क्या होता था कि जब आपके पास ड्रोन्स आ गए, तो ड्रोन ने इन दोनों की जॉब को खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो वो जो एक स्किल थी, ठीक है, कि जो नॉर्मल फोटोग्राफर होता है हेलीकॉप्टर वाला, वो तो नहीं होता था, क्योंकि उसको वो स्किल चाहिए होती थी कि वो हेलीकॉप्टर को यूज करते हुए कैसे ऑपरेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज जो थी अब ये खत्म हो गई, अब लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ड्रोन्स आर अवेलेबल, ठीक है ना। जब ड्रोन्स अवेलेबल हैं तो फिर अब इस चीज की जरूरत रहती नहीं, तो ये इसका रीजन हो सकता है। तो दो पॉइंट्स यहाँ पे ये हो गए, और रोबोट्स आर एक्सपेंसिव टू बाय एंड सेटअप इन द फर्स्ट प्लेस। तो इनिशियली जो होता है, ठीक है, वहां पे रोबोट को खरीदना एक्सपेंसिव होता है। एक और बात भी ये है जो अभी हमने डिस्कस की, कि रोबोट कैन फाइंड डिफिकल्ट टू डू नॉन स्टैंडर्ड टास्क।
नॉन स्टैंडर्ड टास्क कौन से हो सकते हैं, जैसे विंड स्क्रीन बींग फिटेड टू अ कार इज स्ट्रेच्ड। तो अगर आप विंड स्क्रीन फिट कर रहे हो और कार पे करते हुए अगर ज्यादा प्रेशर लग गया तो फिर जो है वो ज्यादा जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, मतलब फिर जाहिर है वो आपको लॉस ही रहेगा अगर आप नॉन स्टैंडर्ड टास्क के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल करते हो। बच्चों यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, जल्दी से फीडबैक दे दो मुझे। तो यहाँ मैंने एक बात और यस बताई, जैसे एक बात मैंने और बताई थी कि जैसे हम ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर सबके अलग अलग एडवांटेजेस की बात कर रहे थे, तो इस तरह यहाँ पे भी रोबोटिक्स के अंदर भी आप अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखोगे। खैर यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो तो कहता है कि सेफर सिंस ह्यूमन एरर इज रिमूव लीडिंग टू फ्यूअर एक्सीडेंट्स। एक ऐसे केसेस जहाँ पे आप अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते सो गया, आंख लग गई, ठीक है, तो उन सिनारियों के अंदर ये इसका एडवांटेज है कि अगर आप ऑटोनोमस व्हीकल रखते हो तो ये सोएगा नहीं, ठीक है, तो सेफर होगा। ये सिर्फ उस सिनारियों में, देयर कुड बी अनदर वन, बट अगर आप सेफर लिख रहे हो तो आप ये लिख सकते हो कि सिर्फ दिदियर में भी है केस कि अगर कोई भी पर्सन है ही और शी गेट्स स्लीपी व्हाइल ड्राइविंग द कार तो वो सेफर नहीं होगा, तो ये इस चीज को खत्म करेगा। सुहेल कोई अच्छा जी, ठीक है, ठीक है सुहेल, अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज, ये बात आ गई, ठीक है, उसके बाद कहता है कि बेटर फॉर द एनवायरनमेंट सिंस व्हीकल्स विल ऑपरेट मोर एफिशिएंटली। इसको कोई इलेबोरेट करना चाहेगा, ये पॉइंट किसकी तरफ मतलब इसको कौन इलेबोरेट करेगा कि ये कैसे एफिशिएंटली काम करेगा? यस जी मिनट, सर इसका ये बेनिफिट है क्योंकि रोबोट्स व्हीकल्स चला रहे होंगे तो उनको अंदाजा होता है. फॉर एग्जांपल एक जीपीएस पर वी गेट द मोस्ट एफिशिएंट रूट, तो वो मोस्ट एफिशिएंट रूट लेकर कम ट्रैफिक होगी, लोग इतना ज्यादा वो होगा नहीं मसला उसका कि स्टॉपिंग हो रही है ये हो रहा है, तो लेस हार्मफुल गैसेस. ठीक है, इसके अलावा कोई और ऐड करना चाहेगा इस पॉइंट को लेकर, बेटर फॉर द एनवायरनमेंट वाले? जी तकी, कुछ कहना चाहेंगे कि बेटर फॉर द एनवायरनमेंट सिंस व्हीकल विल ऑपरेट मोर एफिशिएंटली, ये किस तरह से सारी चीजें हो सकती है? मैं आपको कोई जी तकी देना चाहोगे, उसके बाद फिर मैं एग्जांपल देने वाला था। जी नहीं सर, आप दे दें। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी इस तरह से हो सकती है कि आप लोगों ने देखा होगा समटाइम जब जब आप लोग ट्रेवल कर रहे होते हो, व्हीकल विल टेक शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, एक तो ये बात तो हो गई। आपने देखा होगा कि अगर आप खुद एक्सपीरियंस करते हो ड्राइविंग और आप ड्राइव कर रहे होते हो तो आपने देखा होगा समटाइम एक या दो लोगों की गलती की वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है, ठीक है, रॉन्ग वे आ जाता है, ठीक है, तो अगर कोई एक आदमी रॉन्ग वे आ गया तो उसकी वजह से धीरे धीरे आपकी ट्रैफिक कंजेशन शुरू हो जाती है। रोबोट इन चीजों से भी आपको बचाता है, ठीक है, क्योंकि वो जाहिर है उस वो इसलिए प्रोग्राम नहीं होता कि वो रॉन्ग वे से जाए, तो वो जब इस तरह की अगर गाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगी। अब ऐसा है कि अगर कोई रॉन्ग वे से आ गया, नॉर्मल सिनारियो के अंदर बात करता हूँ, रॉन्ग वे से आ गया, उसके आने की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया और वो तमाम गाड़ियां जो उस ट्रैफिक में फंसी हुई थी तो उनका फ्यूल जो है वो जाया हो रहा है, ठीक है ना, तो लेकिन अगर जो भी कार्स हैं और जो ड्राइवर्स हैं लाइक ऑटोमेटेड कार्स की अगर हम बात करें एंड दे आर फॉलोइंग द रूल्स, तो जब ये रूल्स को फॉलो करेंगे तो ट्रैफिक कंजेशन कम होगी, ट्रैफिक कंजेशन कम होंगी तो फिर आपके पास एफिशिएंट जो है वो गाड़ियां जो है वो ऑपरेट करेंगी। क्या ये एग्जाम्पल क्लियरली समझ में आती है आप लोग? इसका एक पॉइंट अच्छा सा हो सकता है। खैर उसकी उसने एक बात नीचे भी बताई थी कि रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन ह्यूमन कॉज स्टॉप एंड गो ट्रैफिक नोन एज द फैंटम ट्रैफिक जैम, तो ये वाली चीज उसने आगे डिफाइन की भी है। बाकी रिड्यूस टाइम ट्रेवल, क्योंकि और लेस कम्यूटिंग टाइम होगा और स्ट्रेस फ्री पार्किंग होगी, कि नॉर्मली ऐसा होता है जो लोग सऊदी और दुबई में रहते हैं तो उन्हें आइडिया होगा कि वहां पे समटाइम पार्किंग के कितने इश्यूज हो जाते हैं कि आप कार लेके घूम रहे होते हैं और आपको पार्किंग नहीं मिल रही होती, ठीक है ना, तो
समटाइम 20-25 मिनट 30 मिनट भी लग जाते हैं कि आपको पार्किंग ढूंढते ढूंढते, तो वो जाहिर है वो आपके लिए एक टेंशन होती है कि जब तक पार्किंग नहीं मिलेगी आप नहीं कर सकते। तो अगर आप जाहिर है ड्राइवलेस कार की बात करोगे तो फिर आसानी होगी कि आपको बैठ के उसमें वेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। डेफिनेटली कोई भी रोबोटिक्स ऑटोनोमस व्हीकल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे वो एक्सपेंसिव तो होगी, ठीक है। डू वी हैव टू लर्न इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोसेस डायग्राम्स? आई डोंट थिंक सो। डायग्राम्स वगैरह इतनी, देखो जो ब्लॉक डायग्राम्स नजर आ जाती है ना, आई गेस अगर कहीं आती है तो मैं बता दूंगा आपको, बट ये कि डायग्राम्स को मेमोराइज तो जाहिर है आप रट्टा लगा के नहीं कर सकते, लेकिन एक बार उसको पढ़ सकते हो कि हाउ विल दिस ऑपरेट। तो उसमें ये हो सकता है कि आपको लेबल्स अलग दे दिए जाएं और ब्लॉक्स अलग दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप जो है ना फिर उन लेबल्स को उन बॉक्सेस में फिल करो, तो ये चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। बाकी ये वाली बात जैसे करते हैं ना, द एवर प्रेजेंट फियर ऑफ हैकिंग इन टू द व्हीकल्स कंट्रोल सिस्टम, व्हीकल कंट्रोल सिस्टम को अगर हैकर ने हैक कर लिया तो वो बड़ा नुकसानदेह हो सकता है कि वो व्हीकल्स को फिर अगर रॉन्ग डायरेक्शंस दे दें, ठीक है ना, तो फिर बड़े बड़े इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज आ जाएगी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इश्यूज भी आ सकते हैं, ये बात हो जाएगी। तो देर आर मैनी ऑफ द डिसएडवांटेजेस ओवर देयर, अगर आप 3 भी कर लोगे दैट वुड बी इनफ फॉर यू, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे अबाउट द रोबोटिक्स और रोबोटिक्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस इन डिफरेंट एप्लीकेशन एरिया। तो यहाँ पे ऑटोनोमस ट्रेन के बारे में भी उसने ये बात बताई है, तो इसके भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो फिर अगर हम इस तरह जाते जाएंगे तो वो बहुत टाइम लेगा, तो ये मैंने आप लोगों से कहा था कि आप दो दो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इनके पढ़ लेना खुद से। अब मैं आ जाता हूँ टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इट, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसने डेफिनेटली आप सबने देखा है कि इसने दुनिया को चैट जीपीटी ने किस तरह से चेंज किया है, तो इसके बारे में कोई पहले मैं फीडबैक लेना चाहूंगा, एआई के बारे में कोई बताना चाहे, हाउ कैन यू डिफाइन इट एंड व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यस, हु इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड? जी मैरी, सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, उसके अंदर हम एक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल ह्यूमंस बनाना चाहते हैं। उसके अंदर दो ब्रांचेस होती हैं, एक एजीआई होती है, एक एएनआई होती है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। नैरो इंटेलिजेंस आपके थोड़े वीक एआईज होते हैं, जैसे कि सीरी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, वो अपने स्पेसिफिक काम में अच्छे होते हैं। अगर हम उनसे कहें खेलो ये करो तो वो नहीं करेंगे। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस रोबोट्स वो होते हैं जो हर काम कर सकते हैं, ह्यूमन से अच्छा कर सकते हैं, ह्यूमन को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में तो खैर अभी थोड़ा आगे बात करते हैं, जो आपने दो एग्जांपल्स बताई तो इसके बारे में बात करेंगे। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंस ह्यूमन बिहेवियर बाय कंप्यूटर। सिमुलेट करना किस चीज को कहते हैं? हाउ कैन यू डिफाइन अ सिमुलेशन? सिमुलेशन को किस तरह से डिफाइन करोगे आप? जैसे आप लोगों ने देखा हो कार सिमुलेटर्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा एयरप्लेन सिमुलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो सिमुलेट का मतलब क्या होता है? तो सिमुलेट का मतलब ये होता है प्रिटेंड टू हैव, कि मतलब वो जिस तरह से रियल लाइफ में काम करेगी दे आर नॉट द रियल वन, ठीक है। तो वो एक मॉडल होता है बेसिकली। तो जैसे ह्यूमन की इंटेलिजेंस है, अल्लाह ताला ने एक सोचने समझने की सलाहियत दी है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब इसमें इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, ह्यूमन की एक इंटेलिजेंस है द वे दे थिंक, तो अब आपने मशीन के ऊपर ऐसा काम करना है कि मशीन खुद से कुछ सोचना शुरू करे, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, जैसे ह्यूमन ब्रेन है, दिस इज ऑफन रेफर टू एज द कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जैसे काम कर रहा है, जैसे वो नॉलेज को एक्वायर कर रहा है। नॉलेज एक्वायरिंग का मतलब ये है कि आप एक रास्ते से जा रहे थे और जाते जाते आपने एक्सपीरियंस किया कि आगे कोई गढ़ा था और आपकी गाड़ी उस गढ़े से गुजरते हुए गई, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो है आगे गढ़ा है, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम उसी रूट को फॉलो करोगे तब आप अपनी गाड़ी को उस जगह से लेके नहीं जाओगे, उस गढ़े से बचाते हुए जाओगे, ठीक है ना। तो कह रहा है एज अ कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन जो कॉग्निटिव फंक्शन के बारे में जो तुम पूछ रहे हो सुहेल, तो कह रहा है देखो हमारा मेंटल प्रोसेस होता है ना, मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे ये वाली बात आ गई ना कि अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस,
आप बच्चे को आपने देखा होगा, छोटा बच्चा है, अगर वो कोई काम कर रहा होता है और आप उसको मना कर रहे होते हो तो समटाइम वो नहीं मानता। लेकिन अगर उसी काम को करते करते उसको चोट लग गई, ठीक है, तो अब आप दोबारा भी उसको उस काम के लिए भेजोगे तो वो वहां नहीं जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, उसने उस चीज को खुद से एक्सपीरियंस कर लिया। ठीक है, तो आप जो एक्सपीरियंस करते हो, जो हमारे फाइव सेंसेस होते हैं, ठीक है, देखना सुनना, तो इसी तरह एग्जैक्टली जो कुछ ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन होता है उस फंक्शन को मिमिक कर देना इन द मशीन, ये चीज आपकी कहलाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेफिनेटली आपको डेफिनेशन याद करनी होगी तो आप ये लिख सकते हो, इज अ ब्रांच ऑफ सीएस डीलिंग विद द सिम्युलेशन ऑफ इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर। सिमुलेशन का मतलब यही होता है कि मॉडल करना, किसी भी चीज को जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है उसको कॉपी डाउन करना, ठीक है। तो इट इज ऑफन रेफर टू एज द कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, दैट इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि आप नॉलेज एक्वायर कैसे करोगे, अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट सोचकर, और फिर एक्सपीरियंस करना थ्रू द सेंसेस। तो ये चीज हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक तो ये चीज, अब कह रहे थे यार मेजर अगेंस्ट ह्यूमन बेंचमार्किंग सच एज रीजनिंग, जैसे ह्यूमन रीजनिंग करते हैं, स्पीच एंड साइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई के बारे में 3 मार्क का पूछ सकता है कि एआई 3 तरह की होती है, एक कहलाती है नैरो, एक कहलाती है जनरल और एक कहलाती है स्ट्रॉन्ग। तो अब आते हैं मैं जो आप बात कह रहे थे इसकी तरफ, कि अब जरा मुझे बताओ कि व्हाट इज अ नैरो एआई। जी मैदी, अब बताना शुरू करो। सर, नैरो एआई इज अ टाइप ऑफ एआई व्हिच इज अ वीक एआई। वो सर्टेन टास्क, सर्टेन स्पेसिफिक टास्क होते हैं वो उसके लिए डिजाइन की जाती है, जैसे कि एप्पल का सीरी हो गया और चैट जीपीटी हो गया। ये सब आपको इन नॉलेज बताएंगे, आपके इंस्ट्रक्शंस पे काम करेंगे। जनरल एआई के अंदर खुद के कंट्रोलर होता है, प्रोग्रामेबल होती है, वो खुद सोच सकती है, खुद डिसीजन ले सकती है और वो ह्यूमन से ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। और स्ट्रॉन्गर एआई बिल्कुल ह्यूमन की तरह फंक्शन करेगा, वो ह्यूमन से और बेहतर फंक्शन कर सकता है। ठीक है, तो उसके अलावा कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा नैरो एआई की, कि नैरो एआई के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है, वो कह रहा है कि नैरो एआई के अंदर जो आपकी एआई होती है वो कह रहा है कि हैज अ सुपीरियर परफॉर्मेंस टू अ ह्यूमन, ठीक है, व्हेन डूइंग वन स्पेसिफिक टास्क। क्या आप सोच सकते हो कि भाई कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है नैरो एआई की? सर, इसके अंदर स्टॉक्स के लिए प्रिडिक्टर जो होते हैं वो इसके अंदर आएगा या दूसरे के अंदर? स्टॉक्स के प्रिडिक्टर करीब करीब हो किस तरह से? हाँ सर, यानी कि अगर इस कंपनी के स्टॉक्स अभी इसने ये अनाउंसमेंट किया तो फिर एआई उसको गेस करेगा कि इतने टाइम में फिर इसके स्टॉक्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। सही, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये टू द स्पेसिफिक पॉइंट है कि स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, जो लोग स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो वहां पे हो सकता है कि एक तो ह्यूमन इंसान होता है, इंसान सोच रहा होता है कि मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ कि ये वाली कंपनी है, इसके शेयर अच्छे जा रहे हैं, ये तो ह्यूमन सोच रहा है। बट अगर आप इसी के बात करते हो, प्रेडिक्टर्स लगा देते हो, ठीक है, तो उनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो भी तो प्रीवियसली सारा डाटा फेच करके ला रही होती है हिस्ट्री से, तो वो प्रिडिक्ट कर सकती है कि अगर ये चीज़ पिछले 3 दिनों से अच्छी जा रही है और इसके मार्केट मतलब इस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी चल रही है, या इसके कोई नए डिसीजंस आ गए हैं, ठीक है, या ये बेहतर परफॉर्म कर रही है, या इसका अच्छा प्रॉफिट आया था इस मंथ का या इस 6 मंथ का अनाउंस करने जा रही है, तो फिर डेफिनेटली शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो नैरो एआई की अगर हम बात करें, तो नैरो एआई की एग्जांपल में कहता है कि दिस अकर्स व्हेन अ मशीन हैज अ सुपीरियर परफॉर्मेंस टू अ ह्यूमन व्हेन डूइंग वन स्पेसिफिक टास्क। तो इसकी डेफिनेटली एग्जाम्पल्स हो सकती हैं सीरी, ठीक है, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट्स, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नैरो एआई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अबाउट द जनरल, इवन मैं आपको बताऊं कि स्ट्रॉन्ग एआई की अगर हम बात करें, तो स्ट्रॉन्ग एआई अभी तक जो है वो एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। तो नैरो एआई तो सिंपल ये आ गया कि जो आपके नॉर्मल टास्क होते हैं, सीरी से आपने कहा कि भाई सीरी ये वाला काम कर दो, ये वेबसाइट खोल दो, ये एप्लीकेशन प्ले कर दो, ठीक है, सीरी ये वाला काम आपकी कर सकती है, ठीक है। तो एक तो ये बात आ गई। जनरल एआई की अगर हम एग्जाम्पल दें, कोई बता सकते हैं जनरल एआई की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? GPT-5 ठीक है, चैट जीपीटी हो सकता है। तो ये आप देखते हो ना, एक कस्टमर्स और ने आया है, हाँ, GPT-5 तो क्या चीज,
GPT-5 भी रोबोट आया चैट जीपीटी का नया। एग्जैक्टली, अब देखो ना मैं यही चीज लिखने के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों ने कभी कस्टमर सर्विस के चैटबॉट्स देखे? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया? जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए और वहां पर आप जाते हो तो जैसे लिखा हुआ आ जाता है हेलो, और फिर वो कहता है हाउ मे आई हेल्प यू। वो ह्यूमन नहीं होता, ठीक है ना? वो कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स एक सिस्टम को दे दी जाती हैं, और जैसे ही आप उससे इंटरेक्ट करना शुरू होते हो तो वो प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपसे बात कर रहा होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो कहता है कि अगर आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है तो आप कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लें। तो इन दी एंड वो क्या करता है, फिर वो खुद ही आगे ट्रांसफर दे देता है। तो जनरली यही की बात करें तो तुम्हें याद रखना कि मशीन इज सिमिलर नॉट सुपीरियर इन इट्स परफॉर्मेंस टू अ ह्यूमन डूइंग अ स्पेसिफिक टास्क। तो जाहिर है ये वाला काम तो नॉर्मल भी कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाले कर सकते हैं ना। तो कह रहा ना वेन अ मशीन इज सिमिलर, सिमिलर परफॉर्मेंस होगी, सुपीरियर नहीं होगी, कि जो काम कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कॉल पे कर सकता है, ठीक है, आपको उसके रिस्पॉन्सेज दे सकता है, आपको अगर कोई सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो सपोर्ट चाहिए तो वो आपको ह्यूमन भी दे सकता है और वो सपोर्ट आपको चैट बॉट भी दे सकता है। चैट बॉट के ऊपर आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखो, वो आपको उसका पॉसिबल सॉल्यूशन देगा। समटाइम होता है ना कि हम कोई डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं और वो सही से नहीं होता इंस्टॉल, तो वो कहता है कि भाई आप हेल्प ले लो इंटरनेट से। तो इंटरनेट से हेल्प लेने पे फिर वो बताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी केबल ठीक से प्लग इन नहीं हुई भी, क्या आपने विंडोज का वर्जन देखा है अपनी, उसी के हिसाब से आपने डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल किया है, तो ये सारी चीजें हैं, या आप जो है ना उसको रीइंस्टॉल करके देख लें। तो वो आपको डिफरेंट सजेशंस दे रहा होता है। तो कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स वो होंगे जिसमें पीछे बैकएंड पे ह्यूमन नहीं होता, आपका सिस्टम ही होता है, ठीक है, और वो सिस्टम बेस्ड ऑन जो जनरल क्यूरीज होती हैं, जो जनरल क्यूरीज उससे पूछी जाती हैं उनकी बेस के ऊपर वो जवाब देता है। जब जनरल क्यूरी से बात आगे बढ़ जाती है तो फिर वो कस्टमर सपोर्ट किसी ह्यूमन को आगे जो है वो फिर फॉरवर्ड कर देता है। When we talk about the strong AI, तो strong AI में कहता है कि when a machine has a superior performance to a human, तो इसकी example क्या हो सकती है? इसकी क्या हो सकती है? Has a superior performance to a human in many tasks. How can you define this? मैट्रिक्स के रोबोट्स, कौन से? मैट्रिक्स जो मूवी मैट्रिक्स उसके रोबोट्स वो अच्छा, मेरा तो खैर इत्तेफाक नहीं हुआ उसको देखने का, तो वो क्या करते थे? भी बस ऐसी ह्यूमन से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं और बस उड़ते उड़ते। इसके अंदर वैसे जो है ना एक क्लैश तो रहता है कुछ जगहों पे, कुछ चीजों में अगर आप पढ़ो तो वो आपसे कहेगा कि भाई स्ट्रॉन्ग या ये अब तक डिजाइन नहीं हुई है, ठीक है, मतलब जाहिर है इसके अंदर वो ही कहता है कि मशीन है सुपीरियर टू अ ह्यूमन इन मैनी टास्क। तो अमूमन जो मशीन्स बन रही हैं वो एक सिंगल टास्क के लिए बनती है या थोड़े बहुत दो तीन टास्क कर रही होती है, ठीक है, तो बट साथ साथ कहीं ना कहीं आपको कुछ जगहों पे ये डेफिनेशन भी मिलेगी कि जो सेल्फ ड्राइविंग ड्राइविंग कार्स हैं, ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल हो सकती है स्ट्रॉन्ग एआई की। और इवन कुछ जगहों पे ये भी कहता है कि जैसे आप लोग कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हो तो उस ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख रहे होते हो कि कौन सी मूवी या कौन सी सीरीज जो है वो टॉप रैंक्ड है, तो क्या उसके पीछे कोई ह्यूमन होता है बैठ के उसको टॉप रैंक कर रहा होता है? वो कैसे होता है? सारी आई कभी एआई के जरिए होगा ना, कि वो ये देख रहा होगा कि भाई एक सर्टेन टाइम में लाइक विद इन 24 आवर अगर कोई सीरीज है उसको लोग ज्यादा देख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली इन द रैंक ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना? तो दिस वुड बी ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एआई, ठीक है ना? बट ये खाली स्पेसिफिक टास्क में ही अच्छी है। यही मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ कि अगर तुम देखो, तुमसे तो वैसे वो इतना कुछ इनसाइट तो नहीं पूछेगा, ठीक है, तुमसे इस विद स्टिक टू दैट द डेफिनेशन ही पूछेगा। तो तुम्हें तो इतना याद रखना है कि नैरो एआई वो वाली एआई होती है जिसके अंदर मशीन की जो परफॉर्मेंस है वो सुपीरियर होती है ह्यूमन से स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, और अगर स्पेसिफिक के बजाय आप हटा के वो लगा दो मैनी टास्क तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। आपको इतनी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। और जनरल एआई वो होगा जिसके अंदर मशीन की जो परफॉर्मेंस होगी वो सिमिलर ही होगी, ठीक है ना, एज कम्पेयर्ड विद अ ह्यूमन कोई ज्यादा नहीं होगी। तो आप सिंपल उसके डेफिनेशन ही याद रखोगे, ठीक
ठीक है, बाकी इसके अंदर कोई सर्टन चीजें नहीं है। इसके अंदर इतना ही है कि एआई क्या है, द डेफिनेशन ऑफ द एआई एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एआई। तो आपने इसमें इतना ही याद रखना है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसमें नीचे जो ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है ना, ये इसी तरह की कोई चीज लेके कि अगर आपने बाय मेकिंग यूज ऑफ मशीन आपने एक अच्छी सी कॉफी बनानी है, तो उसके लिए क्या होगा, डेफिनेटली कॉफी मशीन जो है उसमें नोजल्स होंगे, आप उसके अंदर जाहिर है एक कंटेनर होगा जो कंटेन करेगा उसके अंदर मिल्क, ठीक है, और उसके अलावा जो दूसरी चीज है, दूसरा कंटेनर होगा उसके अंदर आपके पास कॉफी होगी, ठीक है। सर, कैन पर्सनल असिस्टेंट रोबोट बी अ स्ट्रॉन्ग एआई, दैट कुड बी एन एग्जाम्पल, कि अगर पर्सनल असिस्टेंट है और वो बहुत सारे टास्क आपके करके दे रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एआई की एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी। अच्छा, तो मैं जो एग्जाम्पल आपको दे रहा था कि देखो, एक जैसे आप मुझे कॉफी बना के देते हो, तो आप मुझसे कॉफी बनाने के बाद क्या करोगे, फीडबैक लोगे कि भाई कॉफी अच्छी बनी है कि बुरी बनी है, स्ट्रांग बनी है, कैसी बनी है, ठीक है। ये जो पैराग्राफ आगे है ये पूरा इसी के ऊपर बेस करता है। तो अब जो मैं आपको फीडबैक दूंगा, क्योंकि जाहिर है ह्यूमन सर आपका ब्रेन जो है वो काम कर रहा है, अब वो जब मुझसे फीडबैक ले लेगा, ठीक है, तो अब लाजमी नहीं है कि वो आप कहीं लिखो बैठ के, वो आप सिंपल मैंने जो आपको फीडबैक दिया है वो फीडबैक आपने ले लिया। अब मैं अगर आपसे नेक्स्ट टाइम कहूंगा, अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम का जो आपको फीडबैक दिया वो ये दिया कि यार कॉफी ना थोड़ी सी मीठी बनी थी, ठीक है, और मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लगी, तो व्हाट डू यू थिंक, आप सब के सब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे वही इसी तरह से कॉफी प्रेजेंट करोगे तो अब आप क्या करोगे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस रिगार्ड। कम मीठी और स्ट्रांग अब होती। जो आप 1 टीस्पून अगर आप शुगर ऐड कर रहे थे, यू मे कट इट टू हाफ, आप उसको आधा कर दोगे, ठीक है। इफ यू आर मेकिंग यूज ऑफ 1 टीस्पून ऑफ द कॉफी, देन यू आर गोइंग टू इंक्रीज बाय 1.5 और 2। क्या सर इस बात से एग्री करते हो, ऐसा ही होगा? फीडबैक नहीं आ रहा, थोड़ा फीडबैक थोड़ा स्लो लग रहा है मुझे, क्यों भाई? Am I clearly audible to all of you? ये बात समझ में आ रही है? तो जी जिस तरह, अब इसी सर, तरह एग्जैक्टली है कि अगर आप एआई की अगर हम बात करते हैं, तो फिर एआई इस तरह से भी काम करता है, ठीक है ना, कि वो आपसे जो भी फीडबैक लेगा एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट फीडबैक फिर वो आगे आपको प्रोसेस करके देगा। जैसे आपने एग्जाम्पल देखी है, चैट जीपीटी भी तो काम कर रहा है ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल जरूर आ सकती है कि आपसे पूछ सकता है कि भाई एग्जाम्पल्स ऑफ एआई क्या क्या हो सकती है। तो कहता है न्यू जनरेशन बेस्ड ऑन लाइव न्यूज फीड, एक तो ये चीज हो सकती है। इसके बारे में कोई बताना चाहेगा, ये क्या मतलब हुआ न्यू जनरेशन बेस्ड ऑन लाइव न्यूज फीड? हु इज गोइंग टू एलैबोरेट दिस? यस मेहंदी, सर ब्लॉग बनाना। ब्लॉग्स बनाना। तो ब्लॉग्स के अंदर जो डाटा आ रहा होगा वो कहाँ से आ रहा होगा? थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। जो भी न्यूज जनरेशन होगी वो सारी, यानी आपको खुद से जमा करने की जरूरत नहीं होगी, वो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी बाय गेटिंग द डाटा। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना, कि जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है, तो ये वेदर फॉरकास्टिंग के लिए कोई वेब पेज है। अच्छा, आप भी ये वाला काम कर सकते हो कि आप अगर अपने नाम से कोई वेब पेज वेदर फॉरकास्टिंग के लिए बनाना चाहते हो, तो क्या उसके लिए आपको अलग अलग डिवाइसेस खुद से जाके लगानी होंगी? फिजिकली आपको डिवाइसेस आगे लगानी पड़ेगी डिफरेंट स्टेशन के ऊपर, कैसे होगा? कोई बताएगा कि ये काम कैसे हो सकता है? आपने एक वेबसाइट बनानी है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, तो वो वेबसाइट आपकी कैसे काम करेगी? क्या आपको उसके लिए खुद से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा? फिर नो कैसे होगा? सर, हम उसको वो लाइक ऑलरेडी अवेलेबल होस्ट ऑब्वियसली है, जो तो डिफरेंट उससे वेबसाइट्स, कनेक्ट करते। जो डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी, एग्जैक्टली याया ने अच्छी बात बताई कि दूसरी वेबसाइट का एपीआई लगाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली ऐसा होता है कि आपको पूरी वेबसाइट को खुद बनाने बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इतनी सारी वेबसाइट्स जो अवेलेबल हैं उन वेबसाइट की एपीआई का इस्तेमाल करते हुए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो इनका आप इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हो? जी विवेक, कोई सवाल? सर ये तो मशीन लर्निंग हो जाएगी ना। मशीन लर्निंग होगी, एआई कैन वर्क विद मशीन लर्निंग एज वेल, वहां से भी ले सकती है वो डाटा, नहीं ठीक है। सर, मैं इस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। ऐसे ही है। तो
तो अब क्या होगा, कोई भी आप जैसे न्यूज फीड अगर आप लेते हो तो उसके लिए आपको खुद से बैठ के वो डाटा वेबसाइट को देना नहीं पड़ेगा, आप उसको इंटरलिंक कर सकते हो विद द अदर वेबसाइट दैट आर प्रोड्यूसिंग द सेम डाटा। आप दूसरी वेबसाइट जो सेम डाटा दे रही है आप उससे उसको इंटरलिंक करो, आपकी वेबसाइट के ऊपर वही डाटा आ रहा हो। ठीक है, तो एआई के बारे में तो सब जानते हो कि स्मार्ट होम डिवाइसेस हो गई, जैसे अमेजोन एलेक्सा गूगल सीरी, ये सब की सब आपके पास एआई की एग्जाम्पल्स होती। ठीक है, तो दीज। अच्छा एक बात और है कि पेपर के अंदर वो मेंशन करता है कि आप देना डिवाइसेस के नाम नहीं देने। ठीक है ना, तो आप सिंपल इस तरह, यहाँ तो उसने बुक में दिया हुआ है बट ब्रांडिंग जो होती है ना, ब्रांडिंग वो अलाउ नहीं करता। तो आप इस चीज को भी देखोगे कि आप ब्रांड नेम्स ना लिखो पेपर में। ठीक है, तो ब्रांड नेम्स के लिए वो स्पेसिफिक बता देता है कि ब्रांड नेम्स आपने यूज नहीं करना। आप सिंपल इतना भी लिख सकते हो कि स्मार्ट होम डिवाइसेस, तो ये भी आपके लिए इनफ होगा। तो द एआई डिवाइस इंटरेक्ट विद द ह्यूमन बाय रिकॉग्नाइजिंग वर्बल कमांड्स एंड देन इट लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड द डाटा इज रिसीव। तो वो भी जो भी डाटा एनवायरनमेंट से ले रहा होता है या रिसीव कर रहा होता है तो उससे भी चीजों को सीख रहा होता है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पे यही हुआ कि अगर आप एलेक्सा से लेट सपोज पूछ लेते हो कि भाई किसी सर्टेन एरिया की नेक्स्ट फ्लाइट कब है, तो वो आपको थ्रू द इंटरनेट कनेक्ट होके इंटरनेट से मशीन लर्निंग करेगा, डाटा निकालेगा सर्च के थ्रू और फिर वो आपको बता देगा। ठीक है ना, तो स्मार्ट होम डिवाइसेस में इस तरह से भी काम हो रहा होता है। तो एआई के एग्जाम्पल के अंदर आपके पास चैटबॉट्स का भी इस्तेमाल होता है एंड देन दे इंटरेक्ट थ्रू द इंस्टेंट मैसेजिंग। तो चैटबॉट्स क्या करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग के जरिए आपसे बात करते हैं। आर्टिफिशियली दे आर रेप्लीकेटिंग पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस यूजिंग एआई। तो जो आप बात कर रहे हो तो जैसे अगर लिखा हुआ है हेलो आई एम द ओडर एजुकेशन चैटबॉट हाउ कैन आई हेल्प यू, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ह्यूमन नहीं बैठा हुआ है, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस मशीन को दे दी गई है एंड देन मशीन इज आस्किंग द क्वेश्चन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। तो अब इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई हाउ कैन आई हेल्प यू, तो अब वो उसके पास ये फीडबैक होगा कि अगर कोई सवाल ये पूछे कि भाई मैंने कोई ए लेवल की बुक को ऑर्डर किया है, ठीक है, तो ये डिलीवर कब होगी, तो इसका अब नेक्स्ट काम ये होगा कि ये जाके ऑर्डर के लॉग में जाके चेक करेगा, ऑर्डर नंबर लेगा सबसे पहले आपसे। ठीक है, जैसे ह्यूमन पूछता है तो ये आपसे ऑर्डर नंबर लेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर वो थ्रू द मशीन चेक करके आपको बताएगा। तो जैसे ही आपने ऑर्डर नंबर उसको दिया तो वो आपको फिर बता सकता है ऑर्डर की डेटाबेस से निकालेगा भाई आपका डेटा जो है, आपका ऑर्डर जो है वो अभी यहाँ तक प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो एआई कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ऑटोनोमस कार्स के अंदर भी एआई का आप इस्तेमाल कर सकते हो और फेशियल एक्सप्रेशन रिकॉग्निशन के अंदर भी आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो कि किस एल्गोरिथम्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा ना, अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर आ रहे होते हैं कि अगर आप नॉर्मली अपने फेस की अपने स्क्रीन पिक्चर लेते हो अपनी, आप सेल्फी कोई ले लेते हो तो वो यहाँ तक बता देते हैं कि भाई आपके फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए वो ये बता सकता है कि भाई अभी आप खुश हैं उदास हैं किस तरह से। तो वो क्या कर रहा होता है, वो सारे के सारे आपके की फेशियल लैंडमार्क जो होते हैं उनको स्टडी करता है। ठीक है ना, और फिर वो बता रहा होता है। अमूमन जब आदमी गुस्से में होता है तो थोड़ा सा कलर आपके फेस का चेंज हो रहा होता है, ठीक है, या जो है स्ट्रक्चर ऑफ द फेस थोड़ा चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से था। शर्म पेपर वन कल से करेंगे, आज चैप्टर नंबर 6 कवर करेंगे पूरा। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं अबाउट दैट एआई सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के ऊपर। तो इसके अंदर अब हमारे पास दो चीजें आती हैं। अब एआई के दो टाइप्स आ गई, नंबर वन एक हो गया एक्सपर्ट सिस्टम और एक हो गया मशीन लर्निंग। एक्सपर्ट सिस्टम एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, तो एक्सपर्ट सिस्टम की एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या होगा, डेफिनेशन तो गिवन है उसको डिस्कस कर लेंगे बट एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में बताओ एग्जाम्पल के, वो क्या हो सकता है, कैसा सिस्टम होता है, क्या काम करता है, या कोई सवाल? जी मिनट आप बताओ। सर, एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसी फॉर्म है एआई की जिससे को आप डेटा यू गिव इट, आप उसको सर्टेन डेटा देते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि इफ देर इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, फॉर एग्जांपल किसी कोई बंदा बीमार है तो हम उसकी ऑब्वियसली जो डॉक्टर होगा उसको पहले देखेगा ये इसको क्या मसला है, इसको क्या सिम्टम्स है, उसके हिसाब से वो ही ट्राइज टू जनरेट एन आंसर। द सेम इज एक्सपर्ट सिस्टम के जो हमारी एक्सपीरियंस होता है हम उससे सीख कर किसी और को एडवाइस देते हैं, बेसिकली दैट इज एक्सपर्ट सिस्टम। वेरी नाइस। एक्सपर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, एक डॉक्टर है, नॉर्मली ऐसा होता है। जी विवेक कुछ कहना चाहोगे? सर मैं एग्जांपल बताना चाह रहा था,
जी सर ये थोड़े वक्त पहले ही ये एक चेस वाला बना था, तो बेसिकली मैं बंदे का ये नाम नहीं आता, लेकिन बहुत ही एक्सपर्ट प्लेयर था और उसकी अपनी किताब भी लिखी हुई थी, और किताब की इन्फॉर्मेशन, उसकी सारी प्रीवियसली प्लेड गेम्स, उसकी सारी टेक्निक्स सब कुछ जो है ना एक्सपर्ट सिस्टम में डाली थी, और फिर उसने उस एक्सपर्ट सिस्टम के अगेंस्ट खेला था और वो जीत गया, लेकिन वो एक दो गेम हारा भी था फिर। हाँ ऐसा हो सकता है, जाहिर है वो एक्सपर्ट है ना, तो वो अब क्या होगा कि अगर आप किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो अब क्या हो सकता है कि जो कुछ आपने नॉलेज उस गेम की है, अगर आप गेम के एक्सपर्ट हो, तो आपने सिंपल सिंपल अब नॉर्मली आप लोग चेस गेम खेलते ही होंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे गेम खेलते होंगे जिसमें आपके अगेंस्ट रोबोट खेल रहा होता है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि जैसे एक्सपर्ट क्या करता है कि अ कंप्यूटर सिस्टम दैट मिमिक्स द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन, तो ह्यूमन की जो एक्सपर्टीज होती है वो सारी की सारी उठा के आप मशीन में डाल दो, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर 5 साल 4 साल जो भी उसकी पढ़ाई होती है उसको पढ़ता है, तो अब जब उसके सामने आके मरीज उसको अपनी चीजें बताता है, तो जाहिर है वो जो भी चेकअप करना होता है वो चेकअप करता है, उसके बाद जो कुछ उसने पढ़ा हुआ होता है बुक्स के जरिए या जो उसके टीचर्स ने बताया होता है, अब वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो एक्सपर्ट सिस्टम यूजेस AI, तो अब वो यही कह रहा है कि एक्सपर्ट सिस्टम यूजेस AI टू सिमुलेट द जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज एक्सपर्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो वो यही बता रहा है कि अ कंप्यूटर सिस्टम दैट मिमिक्स द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन, कॉपी करना, मिमिक का मतलब क्या है कि वो जो भी ह्यूमन की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है उसको वो कॉपी कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि किस तरह से वो जजमेंट करेगा जो एक्सपर्ट है, ठीक है, और उसका क्या बिहेवियर होगा, एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट विल गोज टू द सिस्टम। तो वही सारी की सारी चीजें उठा के सिस्टम को दे देना और उससे एक सिस्टम बना लेना, वो एक एक्सपर्ट सिस्टम कहलाता है। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दूंगा कि आप नॉर्मली इंटरनेट पर अगर आपको सर्च करो तो आपको एक्सपर्ट सिस्टम मिल सकते हैं मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। जैसे आप उस एक्सपर्ट सिस्टम पे गए तो वो सबसे पहले आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल गिविंग द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ठीक है। तो या तो वो ये भी बोल सकता है या फिर आपसे कह सकते हैं कि भाई आप बताएं आपको क्या मसला है। तो अब अगर आप कह वो ये आपसे पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ फीवर, डू यू हैव फीवर, तो आप कहते हो हाँ जी मुझे फीवर है, यस है। तो यस के केस के अंदर वो आगे कहाँ लेके जाएगा आपको, ठीक है। जैसे डॉक्टर आपसे पूछते हैं भाई क्या मसला है, तो आप कहते हैं डॉक्टर साहब फीवर हो रहा है, तो डॉक्टर साहब उस फीवर को सुनने के बाद अगला सवाल आपसे क्या करते हैं, हाँ जी आप अगर कहते हो कि डॉक्टर साहब को भाई मुझे फीवर है, तो डॉक्टर आपसे अगला सवाल क्या करेंगे, क्या खाया था? क्या खाया था। हाँ अच्छा उससे पहले ये हो जाता है कि भाई कितना आ रहा है, ठीक है, आपने कहा भाई ठीक है फीवर है, एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे कि भाई टेम्परेचर आ कितना रहा है, टेम्परेचर आ कितना रहा है प्लस उस टेम्परेचर की फ्रिक्वेंसी क्या है, क्या वो 4 घंटे पे आ रहा है, 5 घंटे पे आ रहा है, यानी फ्रीक्वेंटली कितना आ रहा है और वो कितने दिन से है, ठीक है। तो वो आपसे टेम्परेचर कितना फ्रीक्वेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी और आ कब से रहा है, ये बात पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको साथ साथ जब फीवर आ रहा है तो डू यू थिंक क्या आपको भी फ्लू हो रहा है, ठीक है, आप बता सकते हो। आप फिर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपको खांसी हो रही है, तो लाइक दीज आर द क्वेश्चन दैट द डॉक्टर विल आस्क फ्रॉम यू। ये मेडिकल की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फिर क्या होगा कि जब आप ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दे दोगे तो फिर आपको डॉक्टर बता देगा भाई आपको एक वायरल, आपको इन दी एंड वो कंक्लूड कर देगा कि भाई आपको वायरल फीवर है, ठीक है, और इट विल टेक 2-3 डेज मोर, ऐसा भी हो सकता है। जैसे समटाइम आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं यार मुझे मलेरिया हो गया, तो मलेरिया के लिए सिम्टम क्या होता है कि मलेरिया का जो बुखार आता है वो बहुत तेज होता है और उसमें सर्दी लगती है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह की चीज कोई भी पेशेंट अपने डॉक्टर को बताता है ये सिम्टम, तो डॉक्टर डायग्नोस करता है कि भाई इसको मलेरिया हो गया। अब जैसे डेंगी आ गया था तो आप लोगों ने सुना होगा भाई डेंगी की कौन कौन सी पॉसिबल जो है वो सिम्टम्स हो सकते हैं, याद है आप लोगों को क्या क्या सिम्टम्स डेंगी के होते हैं। हाँ जी फीवर हो गया, ठीक है, और उसके अलावा हेडेक होता है, बिल्कुल सही है, हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, ये हो जाता है। उसके अलावा समटाइम कफ भी हो सकती है और प्लस रैशेज हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, तो इस तरह की भी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो अगर फीवर भी जाहिर है एक तरह का होता नहीं है, फीवर डिफरेंट तरह का होता है, ठीक है,
तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो वो आपको बता देता है इसी एक्सपर्ट सिस्टम के लिए। अच्छा, अब एक्सपर्ट सिस्टम पूरी एक अलग फील्ड आ गई। हम बात करते हैं कि एआई सिस्टम की, अगर हम बात करें तो दो तरह का एआई सिस्टम होता है, एक एक्सपर्ट और एक मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को अभी मैं छोड़ता हूँ एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम की तरफ आ जाते हैं, और एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर, एक्सपर्ट सिस्टम में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एक्सपर्ट सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होता है। ऑयल एंड मिनरल प्रोस्पेक्टिंग में यूज हो जाएगा, इसके ऊपर हमने काफी लंबी बात की है। डायग्नोस्टिक ऑफ पेशेंट इलनेस यहाँ इस्तेमाल हो सकता है। फॉल्ट डायग्नोस्टिक इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, आपने अपनी गाड़ी कभी मैकेनिक के पास लेके गए होगे, तो उसके पास पूरा पैनल होता है, ठीक है, एक डिवाइस होती है, वो डिवाइस वो आपके कार के साथ इंटरफेस अटैच करता है, एंड देन फिर उसको पता लगना शुरू हो जाता है कि आपकी गाड़ी में कौन कौन से मसले हैं। ये भी एक एक्सपर्ट सिस्टम ही हुआ ना, कि पहले गाड़ी को बनाने के लिए एक मैकेनिक आके चला के आवाज सुन के उसको चेक करता था, लेकिन अब ज़्यादा जितनी इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, हाइब्रिड कार्स हैं, उनके लिए उनके पूरे पूरे सिस्टम्स आ गए हैं, ठीक है। उन सिस्टम्स को आपको सिर्फ गाड़ी से कनेक्ट करना होता है, एंड देन आपकी मॉनिटर के ऊपर वो तमाम फॉल्ट जो आपकी गाड़ी के अंदर होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, ये हो जाएगा। तो ये आपको ना ये जरूर याद रखने हैं, ये जितने एप्लीकेशन एरियाज हैं ये सब याद रख, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये आ जाएगा फिर स्ट्रेटेजी गेम्स। एक्सपर्ट सिस्टम में ऐसे बहुत सारे गेम्स आपको मिलेंगे जो उसकी एप्लीकेशन हो सकती है। लॉजिस्टिक एफिशिएंट रूटिंग ऑफ पार्सल डिलीवरीज, एक्सपर्ट सिस्टम ये भी है। और सेल्फ डायग्नोसिंग ऑफ द वॉशिंग मशीन, बिल्कुल सही है। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड केमिकल बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट। एक्सपर्ट सिस्टम इन तमाम जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। आपको इसमें कम से कम चार जो है ना, एटलीस्ट फोर तो आपको एक्सपर्ट सिस्टम की एप्लीकेशन एरिया याद होनी चाहिए, एटलीस्ट फोर एप्लीकेशन एरिया ये आपको जरूर मेमोराइज करने चाहिए। ये आ गया। उसके अलावा एडवांटेजेस की अगर हम बात करें एक्सपर्ट सिस्टम में, तो एडवांटेजेस होंगे। नंबर वन, दे ऑफर अ हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है, हाई लेवल एक्सपर्टीज है। दे ऑफर हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इसकी बड़ी अच्छी होती है। द रिजल्ट आर कंसिस्टेंट, रिजल्ट इसके बड़े कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा दे हैव एबिलिटी टू स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स, क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम तो डेटाबेस में डाटा डाल रहा होता है। जब डेटाबेस में डाटा डाल रहा होता है तो फिर डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमें हार्ड डिस्क की जरूरत होती है, एसएसडी की जरूरत होती है, तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होती है, ठीक है ना। तो हैं तो बहुत सारे एडवांटेजेस, आप इसमें से चार भी याद कर लोगे तो वो इनफ होंगे, ठीक है। और ऐसा भी, इट इज पॉसिबल फॉर एक्सपर्ट सिस्टम टू हैव मल्टीपल एक्सपर्टीज। भाई आपने एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया, जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है, अब मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैंने ये कोर्स पहले पढ़ा हुआ है, इसको पूरा समझा हुआ है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर है मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, मेरे पास एक डेटाबेस है, यानी जो मेरा माइंड है वो बेसिकली एक डेटाबेस है, जिसमें ये जो पूरा कोर्स मुझे आपको पढ़ाना है ये स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है ना। अब लेकिन मैं आपको सारी बातें जो मैंने पढ़ी है वो सब नहीं बताता, क्योंकि मुझे टाइम कॉन्स्टेंट देखना पड़ता है कि भाई कितने टाइम पीरियड में आपको मैंने कौन सी चीज़ करानी है। तो अभी आप जो इंटरेस्टिंग चीज देखोगे यहाँ वो ये चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल की एग्जाम्पल इसी की लेते हैं। अच्छा, ये वाली डायग्राम आ सकती है, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम शेल की डायग्राम ये वाली आपके पेपर में आ सकती है। अब ये बता रही है कि जो एक एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो होता कैसे। अज्यूम करो आने वाले वक्तों के अंदर हो सकता है टीचर को रिप्लेस कर ले, जैसे अभी भी आपने होलोग्राम टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है, फिजिकली बंदा मौजूद नहीं होता, और जो है ना वो बेसिकली आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए आप क्या कर सकते हो, होलोग्राम टेक्नोलॉजी प्लस एक्सपर्ट सिस्टम प्लस मशीन लर्निंग, इन तीनों चीजों से आप एक टीचर जो है वो बना के वर्चुअल टीचर कहीं भी खड़ा कर सकते हो। कैसे करोगे, उस टीचर को आप उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज दे दोगे, अब मैं तो ह्यूमन हूं ना, मैं पढ़ाते पढ़ाते कोई चीज भूल सकता हूँ, समटाइम्स आई कुड रेफर टू द बुक, मैं भूल गया मुझे रेफर करना पड़ेगा, बट अगर कंप्यूटर की हम बात करेंगे तो कंप्यूटर भूलता नहीं है, ठीक है, वहां पर वो मुझसे सुपीरियर हो जाएगा। दूसरी चीज, सब्जेक्ट नॉलेज की बात आ रही है, तो हम कहते हैं कि भाई ये एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो आपके सामने एक इंटरफेस खुला, और इंटरफेस खुलने पे आपसे वो सब्जेक्ट सिलेक्शन पूछेगा, किस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ना चाहते हो। आपने कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट किया, फिर उसने कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करते साथ
आपके सामने तमाम चैप्टर की लिस्ट आ गई, चैप्टर लिस्ट आ गई, और उन चैप्टर लिस्ट में से आपने सिलेक्ट कर लिया लेट सपोज चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 जब आपने सिलेक्ट किया तो उस चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि भाई आपने क्या क्या पढ़ना है। आपने ऑटोमेटेड पढ़ना है, आपने रोबोटिक्स पढ़ना है, आपने AI पढ़ना है, या आपने मशीन लर्निंग पढ़ना है। तो AI के अंदर ही अब आप बात कर रहे थे एक्सपर्ट सिस्टम की, तो आपने AI के साथ एक्सपर्ट सिस्टम लिखा हुआ था, आपने उसको क्लिक कर लिया। एडवांटेज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम साइट, मैं उस पर आ जाता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ फिर उस पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं जो समझा रहा हूँ वो ये, अच्छा अब आपने एक्सपर्ट सिस्टम में चले गए। अब जब एक्सपर्ट सिस्टम में जाओगे तो अब आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम में तीन चीजें आ रही होंगी कि भाई एक्सपर्ट सिस्टम के एडवांटेजेस बता दो और डिसएडवांटेजेस बता दो और उसका एप्लीकेशन एरिया बता दो, ठीक है, कि उसको फिर आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपके सामने एक इंटरफेस आया, एक एक्सपर्ट सिस्टम में, ये पेपर का सवाल है, पास पेपर का, कि एक एक्सपर्ट सिस्टम में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वही बता रहे हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो एक यूजर इंटरफेस होगा, कोई स्क्रीन हो सकती है, ठीक है, और उस स्क्रीन के ऊपर आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस आ रहे हो, एक बात तो ये हो गई। उसके बाद क्या होता है, किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज होती है नॉलेज बेस, जिसमें आप उस जिस चीज के बारे में भी जानना चाहते हो उसकी पूरी नॉलेज उठा के डाल देते हो। अच्छा नॉलेज तो आपने पूरी उठा के डाल दी, लेकिन जब अब ऐसा ही है कि आपने मुझसे कोई सवाल पूछा, ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उसके पास मेरे उससे रिलेटेड मेरे पास तीन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई टाइम कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग, तो मैं अगर कहूँ कि मुझे सारी एग्जाम्पल्स नहीं देनी है, मुझे उतनी ही बात करनी है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रूल बेस एग्जैक्टली वो काम करता है कि रूल बेस ये देखता है कि नॉलेज बेस में जो इतना सारा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें से कितना उठाना है, उसमें से कितना उठाना है, तो रूल बेस इस चीज को सिलेक्ट करता है। उसकी एग्जाम्पल अभी आ भी रही है। अच्छा एक चीज आपके पास होती है इन्फेरेंस इंजन। इन्फेरेंस इंजन इज जस्ट लाइक योर सर्च इंजन। इन्फेरेंस इंजन बिल्कुल आपके सर्च इंजन की तरह काम करता है। सर्च इंजन जैसे डेटाबेस, वेबसाइट्स की डेटाबेस से उठा के वेबसाइट लाके आपको सामने देता है, उसी तरह एक इन्फेरेंस इंजन काम करता है। फिर एक होता है एक्सप्लेनेशन सिस्टम। एक्सप्लेनेशन सिस्टम का काम ये होता है कि जब आपके रिजल्ट्स दिए जा रहे होते हैं, जब फाइनली आपको रिजल्ट दिया जा रहा होता है, तो उस रिजल्ट में जो जो चीजें होती हैं, जैसे ऐसे समझ लो कि आप एक एक्सपर्ट सिस्टम यूज कर रहे थे किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, जब वो आपका टॉपिक खत्म हो गया तो उसके आखिर में एक क्विज आ गया, तो वो जो क्विज आया उस क्विज के आने के बाद जो उसके मार्क्स होंगे, जो भी आपका स्कोर होगा, वो एक्सप्लेनेशन सिस्टम के जरिए ही आप तक पहुंचेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने 20 में से 15 सवाल सही दिए हैं और जो 5 आपने सवाल सही नहीं दिए उसके सही आंसर्स क्या थे। ये एक एक्सपर्ट सिस्टम होता है और उसमें ये 5 चीजें होती हैं। क्या ये आपको ठीक से समझ में आया? मुझे माइक पे जल्दी से बता दो भाई, फीडबैक दे दो, अब तक की जितनी बातें आपको पढ़ा रहा हूँ राम, समझ आ रही है। एक्सप्लेनेशन सिस्टम समझ नहीं आया। कौन सा वाला? एक्सप्लेनेशन सिस्टम, एक्सप्लेनेशन सिस्टम, ठीक है चलो ये मैं बता देता हूँ। और उसके अलावा बाकी बच्चे, बाकी समझ आ गया। यार एक्सप्लेनेशन सिस्टम मुझे समझ नहीं आया। सही है, एक्सप्लेनेशन सिस्टम की हम एग्जांपल देते हैं, इसमें कहीं ना कहीं इसके बारे में लिखा हुआ होगा। अच्छा एक्सप्लेनेशन सिस्टम किस तरह से हो सकता है, जैसे आप आपके सामने स्क्रीन में अज्यूम करो और स्क्रीन के ऊपर आपसे वो पूछ रहा है, वही वाली बात करते हैं जो अभी हम कर रहे थे कि भाई आपको फीवर है या नहीं है, ठीक है, फ्लू है, कफ है, ये सब चीज है। तो जब आप ये सारे पैरामीटर्स बता दोगे तो इन दी एंड आपके पास एक लास्ट स्क्रीन आएगी जो इंडिकेट कर रही होगी कि आपको पॉसिबल कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज आपकी, जिसमें वो आपको आपके तमाम इनपुट लेने के बाद जो फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, एक्सप्लेनेशन सिस्टम। एक्सप्लेनेशन सिस्टम वो पार्ट होता है कि जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है उससे जितना डेटा लेना है नॉलेज बेस से उठा के इन्फेरेंस इंजन यानी सर्च इंजन सर्च करके लाएगा उस डेटा को, और फिर रूल बेस के जरिए कितना डेटा उठाना है वो जब उठा के वापस लाएगा तो वह एक्सप्लेनेशन सिस्टम पे ला के देगा। एक्सप्लेनेशन सिस्टम फिर उसी सर्टेन टॉपिक से रिलेटेड आपको चीजें बताएगा। तो अब मैं अगर बताऊं,
यूजर, नॉलेज और ये। एक एग्जाम्पल देखो, फिर वहां से आपको और बेहतर तरीके समझ में आ सकता है कि ये एक एक्सपर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो वो कहता है, इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि भाई ऑब्जेक्ट क्या क्या है, डॉग है, व्हेल है और डक है। अब जरा देखना, ये जो मैं आपको बता रहा था ना एक्सपर्ट सिस्टम, एक एक्सपर्ट सिस्टम इस तरह से काम करता है, वो आपसे ना सवाल पूछेगा, ठीक है। कहता है, इज इट अ मैमल। आप अगर यस कहते हो ना, तो ये पूरी डेटाबेस है, ये जो आपको मैं शो कर रहा हूँ ये पूरी डेटाबेस है। तो जैसे ही आप यस कहोगे, तो यस के कहने से ये किन दो चीजों को सिलेक्ट करेगा, जल्दी बताओ। डॉग एंड व्हेल, डॉग एंड वेल, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि दे आर दी मैमल्स। अब जरा समझना, ये पूरी की पूरी डेटाबेस है। इस पूरी की पूरी डेटाबेस में जब पहला सवाल किया, इज इट अ मैमल, तो अब रूल बेस के जरिए वो ये सर्च करेगा कि भाई मैमल एट्रीब्यूट वन में मैमल कहाँ कहाँ पे है, तो डॉग है और वेल है। अब वो डक वाला जो पार्ट है इसको नहीं देखेगा, ओके। अब ये सिर्फ दो चीजों के ऊपर चलेगा, दैट इज डॉग और मैमल। कैन इट बी अ पैट, क्या ये पैट हो सकते हैं, तो इसका नो जवाब है नो, इसका मतलब वो पैट नहीं है। तो अब इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करेगा, वेल एट्रीब्यूट टू में देखो, एट्रीब्यूट टू में हमने बोला कैन इट बी अ पैट, तो वो कह रहा है नो, तो नो का केस है वो किसको सिलेक्ट करेगा, कैन वेल इट बी अ पैट, तो नॉट अ पैट, नॉट अ पैट के केस में किसको करेगा, वेल को नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो करेगा। वेल को करेगा क्योंकि कह रहा है नॉट अ पैट, ये सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, डज इट लिव इन वाटर, यस, तो एट्रीब्यूट नंबर थ्री में वो वाटर में रहता है, ठीक है। डज इट मेक अ सोनिक साउंड, यस मेक्स अ सोनिक साउंड, वेल। इज इट्स बॉडी कवर्ड इन स्किन, यस, एट्रीब्यूट नंबर फाइव में, क्योंकि हम दो को कर रहे थे लेकिन दो से हम एक ही के ऊपर आ गए थे, एक ही एट्रीब्यूट मिल रहा था। और डज इट हैव एनी लैग, नो, तो जब नो आ जाएगा तो इसका मतलब है आप जिस चीज की बात करो वो वेल है। तो अब वो जो आप एक्सप्लेनेशन सिस्टम कह रहे थे ना क्या है, तो आखिर के अंदर जो स्क्रीन आएगी उसके ऊपर आपके पास जो वेल है, उस वेल के बारे में या तो इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी या उसकी पिक्चर आ रही होगी, क्या ये बात समझ में आती है। तो कंक्लूजन में जैसे लिखा हुआ आ रहा है ना, इट्स अ वेल, तो ये जो वेल लिखा हुआ आना है ये भी एक एक्सप्लेनेशन सिस्टम हो सकता है जिसमें आप वेल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दे दो। अब बताओ क्या ये बात समझ में आती है। आप में से कितने लोगों ने एक्यूनेटर खेला मैंने है यस ना, तो एक्यूनेटर जब आपने खेला तो वो क्या, वो भी इसी तरह से काम करता है, सवाल ऐसा ही पूछ होता है ना। हाँ, के फिर जवाब वह देता ऐसे ही करता है ना कि भाई अगर आप कोई भी, आप कहते हो कि भाई मैं किसी सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूँ, तो क्या, अच्छा अब उसमें वो काम कैसे करेगा, वो काम ऐसे करेगा कि उधर आपकी लोकेशन जारी होती है, ठीक है। अब जैसे अगर वो, मैं सोच लूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोई एथलीट की बात करता हूँ मैं, ठीक है, तो अब मैंने सबसे पहले, अब एक्यूनेटर की तरफ हम गए, तो एक्यूनेटर में भाई वो कहता है कि भाई ये कौन है, कोई फेमस पर्सनालिटी है, मैं कहूँगा हाँ भाई फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है ना। अब क्योंकि लोकेशन मेरी पाकिस्तान जा रही होगी लेट्स सपोज, तो मुझसे अगला सवाल ये पूछ लेगा कि डज ही लिव, ही और शी लिव्स इन पाकिस्तान, मैं कहूँगा हाँ ठीक है। अब वो जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज होंगी पूरी दुनिया से, जब उसकी डेटाबेस में तो पूरी दुनिया की सेलिब्रिटीज होंगी, लेकिन अब वो क्या करेगा, क्योंकि रूल बेस ये कहता है कि भाई यार वो सिर्फ पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज को रखेगा, ये बात है। अगला सवाल क्या होना चाहिए उसका, सेलिब्रिटी पाकिस्तान की सेलिब्रिटी है, अगला सवाल क्या होगा। हाँ जी, एज एज हो सकती है, वेरी गुड, ठीक है, तो एज हो सकता है, सिंगल हाँ एक्टर और सिंगल ठीक है, एक्टर की बात हो सकती है, जेंडर, एग्जैक्टली आया, ये मेरा पॉइंट था कि वही जेंडर के बारे में पूछेगा। अब जेंडर के बारे में अगर आपने मेल कह दिया, तो पाकिस्तान की जितनी फेमस सेलिब्रिटीज जो सिर्फ मेल हैं, उस वो डेटाबेस से सिर्फ उन्हीं को उठा के लेके आएगा, ऐसा ही है ना। तो अब ये हो गया, अब उसके बाद वो ये भी सवाल पूछ सकता है कि आपका जो सेलिब्रिटी है क्या वो एथलीट है, अगर आप एथलीट बोलोगे तो आप वो तमाम शोबिज वोबिज सारी चीजें छोड़ देगा, पाकिस्तान के जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं उनमें से पॉलिटिशियंस को हटा देगा, एक्टर्स को हटा देगा, या डिफरेंट जो भी लोग हैं उन सबको हटा देगा, अब सिर्फ आ जाएगा एथलीट्स के ऊपर। अब जब एथलीट्स के ऊपर आ जाएगा, तो फिर उसके बाद वो अगला सवाल ये कर सकता है कि भाई क्या आपका एथलीट क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो अब मैं अगर लेट्स सपोज कहूँ हाँ भाई जो मैंने सोचा वो क्रिकेट खेलता है, तो अब आ गए इस तरफ,
एथलीट है और सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, अब इस तरफ आ गए, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चलो अगर आप एक्टर की तरह सोच रहे हो तो आप क्या नाम सजेस्ट करोगे या क्या नया सवाल पूछ सकते हो? एज एज पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अगर मैं कह बाप देता हूँ हाँ रे भाई एज उसकी है इन बिटवीन 20 to 30, अब इसका मतलब है वो तमाम सेलिब्रिटीज जो इस एज से ज्यादा आगे थे। अब शुएब अख्तर भी एक सेलिब्रिटी था, एथलीट पाकिस्तान में, शाहिद अफरीदी भी है, ठीक है, वसीम अकरम भी है, वकार अली भी है। शाहीन हाँ शाहीन अब जैसे तुमने शाहीन बता दिया, ठीक है, अब मैं कहता हूँ, अब शाहीन तुमने कहा, मैं कहूंगा नहीं, अब जब मैं नहीं कहूंगा तब अब आप बॉलर की लिस्ट से निकल कर हो सकता है बैट्समैन की तरफ आ जाओ, बाबर है ना? तो अब मैं कहूंगा नहीं शाहीन तो नहीं है, अब क्या हो गया, अब बाबर बाबर आ गया, तो ठीक है ना। अब मैंने अगर बाबर सोचा तो मैं कहूंगा यस इट इज, तो ये इस तरह से काम कर रहा होता है। एग्जैक्टली एक्सपर्ट सिस्टम की अच्छी एग्जाम्पल यही हो सकती है कि उसके अंदर आपके पास ये सारी चीजें लग रही हैं। तो आपने ये जरूर याद रखना है कि एक एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है उसमें यूजर इंटरफेस होता है। अच्छा एक बात और बताऊं, ये तो एक डायग्राम आ गई ना, आपने हर ये जो एक्सपर्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर और उसके तमाम एलिमेंट्स हैं उन सब के बारे में 3 3 पॉइंट्स आपको जरूर पता होने चाहिए। अब ये इंटरफेस क्या है? इंटरफेस का मतलब ये कि आपके सामने स्क्रीन होगी, ठीक है। वी कैन ऑल्सो गिव हिंट, इज इट राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, हाँ। तो यानी बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं ना, तो ये सारी चीजें हमारी रीजनिंग कहलाती हैं। तो खैर यूजर इंटरफेस की हम बात करेंगे कि कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम है तो वो कह रहा है कि द मेथड बाय विच एक्सपर्ट सिस्टम इंटरेक्ट विद द यूजर, वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, किसी स्क्रीन के जरिए करेगा, कोई टच स्क्रीन यूज कर लेगा, कोई कीपैड यूज कर लेगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन कैन बी थ्रू डायलॉग बॉक्सेस, डायलॉग बॉक्सेस भी आ सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट्स भी आ सकती हैं, ये भी है। द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड यूजुअली ओनली हैव यस और नो, जैसे भी हम बात कर रहे थे तो उसमें यूजर इंटरफेस में ये 3 पॉइंट्स हैं तो आपको ये याद होने चाहिए। इन्फेरेंस इंजन, ये बिल्कुल आपका सर्च इंजन की तरह से काम करता है। तो इन्फेरेंस इंजन एक्ट लाइक अ सर्च इंजन, सर्च इंजन का काम ये होता है कि जो भी पूरी डेटाबेस गिवन होती है उसमें से आपके सर्च क्राइटेरिया के हिसाब से वो डाटा लाके देता है। तो जैसे अब आप 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 है ना, अब आप कोई भी एक बच्चा मुझसे 1 से 6 के दरमियान कोई भी एक टॉपिक बोलो जरा, कोई भी एक टॉपिक या सब टॉपिक का नाम लो। एम्बेडेड सिस्टम, अब जैसे ही आपने एम्बेडेड सिस्टम बोला तो मेरे जहन में 1 से लेकर 6 पूरा चैप्टर याद है मुझे। अब मैं आपको बोलूंगा एम्बेडेड सिस्टम जो बात कर रहा हूँ ना ये चैप्टर नंबर 3 में आता है, ठीक है ना। तो अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि एम्बेडेड सिस्टम चैप्टर 3 में आता है इसका क्या मतलब है, मेरे पास नॉलेज बेस में सब कुछ था लेकिन जैसे आपने ये लफ्ज एम्बेडेड सिस्टम इस्तेमाल किया तो मेरे सर्च इंजन दैट इज इन्फेरेंस इंजन वो गया डेटाबेस में और डेटाबेस उसने बोला एम्बेडेड सिस्टम, तो मुझे फॉरन क्लिक किया कि एम्बेडेड सिस्टम रिलेट करता है चैप्टर नंबर 3 से, और साथ साथ एम्बेडेड सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एम्बेडेड सिस्टम की डिफरेंट एप्लीकेशन जैसे वॉशिंग मशीन, लाइटनिंग, वेंडिंग मशीन, ये सब चीजें आती हैं। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं एक्सप्लेन करना शुरू हो गया अबाउट दीज थिंग्स। तो किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर ऐसा ही होता है कि जब आप कोई सवाल पूछते हो तो इन्फेरेंस इंजन काम करना शुरू हो जाता है, सर्च इंजन की तरह एग्जामिन करता है नॉलेज को, नॉलेज बेस को, फॉर इंफॉर्मेशन डाटा दैट मैचेस द क्यूरी, तो जो भी आप क्यूरी देते हो उस क्यूरी की बेस के ऊपर वो रिजल्ट लाके देता है। तो इन्फेरेंस इंजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर बाय आस्किंग सीरीज ऑफ क्वेश्चन, तो वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा, ठीक है, और फिर ईच क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इज बेस्ड ऑन प्रीवियस रिस्पॉन्सेज। जैसे अभी हमने अभी एक बाबर आजम जो है वो बताया आपने कि भाई सर आपने ये सोचा हुआ होगा, तो आपने तमाम प्रीवियस रिस्पॉन्सेज की बेस के ऊपर आंसर दिए, तो आपका भी सर्च इंजन काम कर रहा था, ये हो गया, ठीक है। तो इन्फेरेंस इंजन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम दैट मेक यूज ऑफ इन्फेरेंस रूल एंड द रूल बेस। अब इन्फेरेंस रूल क्या है? इन्फेरेंस रूल यही कहता है कि भाई सर ने अगर कहा था कि भाई वो मेल वो है पर्सनैलिटी है तो इसका मतलब ये कि अब हम उसके अंदर कोई भी फीमेल पर्सनैलिटी नहीं डाल सकते। तो कहता है सिंस द नॉलेज बेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि जैसे ऊपर आपने देखा था डॉग था, ठीक है, तो कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होगा, ऑब्जेक्ट होंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पे ये एक एक्सपर्ट सिस्टम था तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स थे डॉग, वेल और डक, और उनके एट्रीब्यूट्स क्या आते हैं कि डॉग मैमल है, वेल मैमल है और डक बर्ड है। एट्रीब्यूट्स क्या आते हैं, डॉग जो होता है वो पैट हो सकता है, वेल पैट नहीं होती और डक जो है वो पैट नहीं होता। तो आपका कोई भी जो नॉलेज बेस है
उस नॉलेज बेस में जरूर ये दो चीजें होती हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट। तो ये आपको बताना चाहिए। नॉलेज बेस के बारे में अगर आपसे पूछे तो नॉलेज बेस हम कहते हैं इज अ रिपोजिटरी ऑफ फैक्ट। ये पास पेपर में सवाल आया हुआ है कि भाई नॉलेज बेस क्या है। इज अ रिपोजिटरी ऑफ फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स होते हैं वो सारे नॉलेज बेस में स्टोर हुए हुए होते हैं। इट स्टोर द नॉलेज अबाउट एन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। तो ये सारे के सारी एक्सपर्टीज जो होती है किसी भी सर्टेन एरिया की, ठीक है, ये ऑब्टेन करता है फ्रॉम नंबर ऑफ रिसोर्सेस। ये ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट सिस्टम सिर्फ एक ही बंदे को बिठा के उससे सारा का सारा डेटा उठा लेगा। ये डिफरेंट यानी सारा डेटा उठा लेगा बट उसमें से फिर वो फिल्टर आउट करेगा। सर नॉलेज बेस एंड इन्फेरेंस इंजन में क्या डिफरेंस होता है? देखो नॉलेज बेस में तो सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है। नॉलेज बेस इज जस्ट लाइक अ डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है, ये हो गया। तो उस नॉलेज बेस में से जो डेटा लेकर आना है, जो डेटा पूछा गया है, वो जो डेटा लेके आएगा वो इन्फेरेंस इंजन है। ये है इसका फर्क। नॉलेज बेस इज अ डेटा बेस दैट कंटेन्स द फैक्ट। नॉलेज बेस में सिर्फ फैक्ट होगा, यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। इन्फेरेंस इंजन इज अ सर्च इंजन दैट सर्चेज द डेटा फ्रॉम द डेटा बेस। इन्फेरेंस इंजन आपके डेटा बेस में से इतनी सारे जो डेटा मौजूद है उसमें से कौन सा उठा के लेके आना है वो इन्फेरेंस इंजन लेके आता है। नॉलेज बेस इज द होल बुक। मुस्तफा ने अच्छी एग्जाम्पल दी कि नॉलेज बेस तो तुम्हारी पूरी किताब है, ये पूरी डेटा बेस हो गई। अब मैं अगर उसे आपसे कहता हूँ कि, या आप मुझसे अगर कहते हो कि सर वो ना जरा लाइब्रेरी रूटीन पढ़ा दें, तो मैं कहूंगा चैप्टर 8 पे आ जाओ। अब क्या हुआ, दिस इज माई इन्फेरेंस इंजन। तो उस इन्फेरेंस इंजन ने उस नॉलेज बेस में जितना सारा डेटा पड़ा हुआ था उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि भाई स्ट्रिंग हैंडलिंग का जो फंक्शन है वो चैप्टर 8 में मिलेगा, तो चैप्टर 8 में आ जाओ। तो इस सारे डेटा में से, इतने सारे डेटा में से कौन सा सर्टेन डेटा उठा के लेके आना है वो आपका इन्फेरेंस इंजन करता है काम। ये वाली बात आ गई। अब उसमें वही वाली बात, अच्छा ये तो हो गया आपका इन्फेरेंस इंजन। अब रूल बेस की हम बात करें तो कह रहा है रूल बेस इज अ सेट ऑफ इन्फेरेंस रूल्स, ठीक है। इन्फेरेंस रूल्स का मतलब है कि जैसे हमने यही रूल सिलेक्ट किए हुए थे ना कि भाई क्या क्या रूल हो सकते हैं, कि भाई रूल ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक पेट का नाम सोच रहा हूँ, ठीक है, तो अब आपका जो रूल बेस है वो तमाम जानवरों के बारे में तो नहीं सोचना शुरू करेगा ना। अब मैंने अगर आपसे कहा थोड़ा जल्दी से इसको 1-2 मिनट में कंक्लूड कर दे, मैं कहता हूँ कि मैंने एक पेट का नाम सोचा हुआ है, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, अब आप मुझसे क्या सवाल पूछोगे, क्या क्या सवाल पूछ सकते हो? मैंने एक पेट का नाम सोच लिया, आपके सीरीज ऑफ क्वेश्चंस मुझसे क्या होंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, मैमल है या नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर कहता हूँ मैंने फॉर एग्जाम्पल इज इट अ मैमल, जैसे आपने एक बात की, ठीक है, अब क्या हो सकता है कि मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पैरट सोचा हुआ इज अ पैट, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जरा बताओ। एक पैरट के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? यस विवेक, हेलो। हाँ वेरी गुड, कि भाई वो बर्ड है, कलर है, ठीक है, कलर उसका होना चाहिए, अबाउट द फर सर फेदर्स, फेदर्स, ठीक है ना, इसकी हम बात कर लेते हैं, फेदर ये फर एक ही कर लो, ठीक है ना, है या नहीं है। डज इट हैव अ विंग्स, ठीक है, डज इट हैव अ बीक, इज इट कलरफुल। जी विवेक, ये सर सवाल मैं बी बीक की कहने वाला था, नहीं मैं बी कहने वाला था। कहने वाले थे ना, ठीक है। तो अब ये सब चीजें क्या है, द रूल बेस इज अ सेट ऑफ इन्फेरेंस रूल्स। अब वो यही बात कह रहा है कि इन्फेरेंस रूल्स आर यूज बाय इन्फेरेंस इंजन टू ड्रॉ कंक्लूजन। इसका मतलब है कि यहाँ पर सारे के सारी क्या चीजें लग रहे हैं, इन्फेरेंस रूल लग रहे हैं, ये रूल्स हैं, ठीक है। तो उसकी एग्जाम्पल उसने नीचे दी है कि कहता है कि भाई यहाँ पे कि द फॉलो लॉजिकल थिंकिंग लाइक द एग्जाम्पल अबव यूजुअली इन्वॉल्विंग सीरीज ऑफ इफ़ कहता है इफ कॉन्टिनेंट इक्वल साउथ अमेरिका एंड लैंग्वेज इक्वल पोर्टुगीज देन कंट्री इक्वल्स ब्राजील, ठीक है ना। तो ये जो कह रहा है ना द रूल बेस इंस्टेड ऑफ इन्फेरेंस, तो इन्फेरेंस रूल्स क्या होते हैं, इन्फेरेंस रूल्स वो तमाम रूल्स होते हैं जिनकी बेस पे कंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। तो कह भी रहा है यहाँ पे कि इन्फेरेंस रूल्स आर यूज बाय इन्फेरेंस इंजन टू ड्रॉ कंक्लूजन। तो जब आपको कंक्लूजन निकालनी होती है तो फिर आप इन्फेरेंस रूल्स का इस्तेमाल करते हो।
बच्चों क्या ये बात समझ में आती है? तो अगर आप कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाहते हो तो आपको जो भी उस फील्ड का एक्सपर्ट है ह्यूमन, उससे आपको डाटा इकट्ठा करना होगा। आप बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, रिसर्च पेपर का और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीज आ सकती है कि हाउ कैन यू सेट अप एन एक्सपर्ट सिस्टम, 5 मार्क का पक्का सवाल आ सकता है। तो सबसे पहले आप उस मतलब डाटा गैदर कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज यूज टू पॉपुलेट द नॉलेज बेस। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसको आप नॉलेज बेस में उठा के रख दोगे। अ रूल बेस नीड्स टू बी क्रिएटेड, फिर उसके रूल्स बनाओगे। दिस इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ इन्फेरेंस रूल्स, जिसमें आप रूल्स उसके बनाओगे कि किन रूल्स के बिना के ऊपर रूल बेस के ऊपर डाटा उठ के आएगा, सो दैट द इन्फेरेंस इंजन कैन ड्रॉ कंक्लूजन, ताकि आप कंक्लूजन कर सको। सही है, कहा ने एक्सपर्ट सिस्टम बनाया है। चलो अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा एंड में जाके आपसे इसके बारे में फीडबैक लूंगा। ठीक है, अच्छा। द इन्फेरेंस इंजन इटसेल्फ नीड टू बी सेटअप। इन्फेरेंस इंजन क्या होगा? इन्फेरेंस इंजन इज अ सिस्टम सिंस इट इज द मेन प्रोसेसिंग एलिमेंट मेकिंग रीजन कंक्लूजन फ्रॉम डाटा इन द नॉलेज बेस। नॉलेज बेस से जो डाटा निकल के आ रहा होगा उस डाटा को जो फिल्टर कर रहा होगा वो इन्फेरेंस इंजन करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक यूजर इंटरफेस होना चाहिए ताकि वो यूजर और एक्सपर्ट सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करवा सके। और एक बार अगर आपने सेटअप कर लिया तो उसको फिर आपको टेस्ट करना होगा बाय रनिंग द सिस्टम विद नोन आउटकम्स। नोन आउटकम्स दोगे, जैसे आपको पता है कि भाई पैरट किस वक्त आ सकता है। पैरट उस वक्त आ सकता है जब हम बोले हाँ ये बर्ड है, ये ग्रीन कलर का है, इस यस इट हैज अ बीक। तो हम खुद से ही जो नोन रिजल्ट्स हैं उसी की वैल्यूज डाल के चेक कर रहे हो कि क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एक चीज ऊपर रह गई थी तो वो मैं दोबारा बता देता हूँ। जो हम बात कर रहे थे वो ये पूछ रहा था कि सर एक्सपर्ट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं, वो जरा बता दें। तो हमने यही डिस्कस किए थे कि एक्सपर्टीज, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज होती है, हाई एक्यूरेसी होती है, रिजल्ट कंसिस्टेंट होते हैं, और एक एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो मल्टीपल एक्सपर्टीज परफॉर्म कर सकता है। साथ साथ एक एक्सपर्ट सिस्टम के कई डिसएडवांटेजेस भी तो होते हैं। नंबर वन, यूज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम नीड कंसिडरेबल ट्रेनिंग। ठीक है, द नॉलेज एक्सट्रैक्टेड बाय इन्फेरेंस इंजन विल बी एक्सप्लेन, जस्ट अ मोमेंट, द नॉलेज एक्सट्रैक्टेड बाय इन्फेरेंस इंजन विल बी एक्सप्लेन बाय एक्सप्लेनेशन सिस्टम। हाँ, जो भी नॉलेज आ रही है, देखो अभी आप मुझसे कोई भी एक टॉपिक कहते हो सर जरा इसके बारे में बता दें, ठीक है, तो मेरी नॉलेज बेस में वो टॉपिक मौजूद है। तो रूल अब मेरा, मैं जब आपको बताना शुरू करूंगा, जवाब देना शुरू करूंगा, तो अब मैं पूरी बुक का डेटा आपसे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वही टॉपिक बात करूंगा जो आपने मुझसे पूछा है। उस टॉपिक से भी अब मुझे ये पता है कि यार 5 पॉइंट्स है, तो मैं बच्चे से 5 के 5 पॉइंट्स नहीं बताता, मैं बच्चों को 3 पॉइंट्स बता देता हूँ। अब क्या हुआ, यहाँ मेरा इन्फेरेंस इंजन लग गया। इन्फेरेंस इंजन ने कहा कि भाई 5 है 5 में से 3 पॉइंट्स भी आप बता देंगे पेपर के लिए नफे। अब वो मैं 3 पॉइंट जो बताना शुरू करूंगा तो दैट इज व्हाट माय एक्सप्लेनेशन सिस्टम इज। तो जैसे मैं आपको किसी भी सर्टेन टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो एक्सप्लेनेशन सिस्टम कहलाएगा। अब इधर वो स्क्रीन के जरिए या मैसेज के जरिए आप तक डेटा पहुंचा देगा। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपके पास आंसर आ रहा होगा तो वो आपका एक्सपर्ट सिस्टम हो जाएगा। तो एक्सपर्ट सिस्टम में कहता है कि एक्सपर्ट सिस्टम ऑल्सो हैज अ डिसएडवांटेज। तो कहता है कि मतलब वो डेटा तो इन्फेरेंस इंजन से ही लेता है। वो ना डाटा जो ले रहा होता है, जैसे रूल बेस की आप बात करो ना, तो पहले आप इस डायग्राम को समझो, कंफ्यूजन ना हो आपको। ये आ गया, तो अगर इस डायग्राम को गौर से देखो, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। तो देखो सबसे पहले ना काम शुरू होता है आपके इंटरफेस। इंटरफेस पे ना कोई इनपुट करते हो, सही है, आपने जो इनपुट किया है ना तो वो इनपुट जाएगा पहले इन्फेरेंस इंजन से, इन्फेरेंस इंजन से चला गया। अब आपके सामने लेट सपोज मैं नहीं हूँ, मेरे अलावा कोई एक्सपर्ट सिस्टम है जो आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाएगा। तो अब आपने उससे कहा कि जरा मुझे बता दें अबाउट वर्चुअल मेमोरी के, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी आपने सिलेक्ट किया। अब इन्फेरेंस इंजन जाएगा, ठीक है, यहाँ देख सकते हो एरो मिल रहा है। इन्फेरेंस इंजन नॉलेज बेस में जाएगा, नॉलेज बेस से वो पूरा वर्चुअल मशीन का सारा जो भी कंटेंट है वो उठा के ले आएगा। ठीक है, अब जब लेके आएगा इन्फेरेंस इंजन, तो आप देखोगे एक ये वाली ब्लू लाइन भी है जो नॉलेज बेस से जब डाटा उठ के आएगा तो अब वो रूल बेस की तरफ जाएगा।
अब वर्चुअल मशीन में सवाल ये कि क्या आप वर्चुअल मशीन की डेफिनेशन पूछना चाह रहे हो, क्या आप वर्चुअल मशीन के एडवांटेज पूछना चाह रहे हो, क्या आप वर्चुअल मशीन के डिसएडवांटेज पूछना चाह रहे हो। अब इन्फेरेंस मैंने जो यूजर इंटरफेस पे इनपुट कराया था तो मैं सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेज पता करना चाह रहा था कि वर्चुअल मशीन के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अब क्या होगा, रूल बेस्ड डेफिनेशन को नहीं देगा, एडवांटेज को नहीं देगा, वो जो रिटर्न करेगा वो करेगा सिर्फ डिसएडवांटेजेस ऑफ वीएम, डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मशीन। तो अब एक्सप्लेनेशन सिस्टम स्क्रीन के ऊपर वर्चुअल मशीन के तीन एडवांटेजेस आपको शो कर रहा हो। अब बताओ क्या इस एग्जांपल से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई? ये मैंने एक पूरी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस और सारी चीजें बताई, ठीक है? जरा जल्दी यस से मुझे माइक पे सब बता दो कि भाई आ रहा है समझ में? अब्दुल्ला अली, एहसन आलिया, यस आसिफ, सर, फातिमा, यस सर, हमजा, यस सर, अली। यस सर। यस सर, तो ये हो गया। यस इसके बाद अच्छा डिसएडवांटेज की जो हम बात कर रहे थे इसको भी देख लेते हैं यस कि एक्सपर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, बट वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे। तो एक्सपर्ट सिस्टम नीड कंसिडरेबल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग तो आपको चाहिए ताकि सिस्टम जो है वो स्मूथली काम करे। और हर बार एक चीज जरूर आ जाती है कि अगर आप एक्सपर्ट सिस्टम लगाते हो तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होगी। हाँ ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि आपने कोई जैसे अभी हुआ था मेडिकल सर्जरी कोरोना के अंदर रोबोट ने की थी, ठीक है? अब दे टेंड टू गिव वेरी कोल्ड रिस्पॉन्सेस दैट मे नेट नॉट बी अप्रोप्रिएट इन सर्टेन मेडिकल सिचुएशन। क्या कोई इसकी एग्जाम्पल दे सकता है, किसी के जहन में आ रही है? जी यूसुफ बता, मुस्तफा आप बताओगे, बताओ। सर, ये बेसिकली इस तरह होते हैं ना कि लाइक कोई मेडिसिन या डिवाइस वो होती हैं जो कि लोग जो लिस्ट कर देते हैं ऑनलाइन कि ये अगर लेंगे तो इससे लाइक कॉफ सही हो जाएगी या कुछ, नहीं लेकिन जैसे ये वो मैं, हाँ फिर लेकिन वो एक्चुअली लाइक सिम्टम्स को मैच नहीं कर रही होती है, और कुछ लोग जब वो ले लेते हैं तो उनकी फिर भी लाइक कंडीशन और वर्स हो जाती है। नहीं, अगर हम बात करें हमने एक्सपर्ट सिस्टम मेडिकल में लगाया हुआ है। विवेक आप बताओ। सर जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी किडनियाँ ख़राब हो गई हैं, सही है, हाँ लेकिन और ऑप्शन आता है कि वो इधर पूरी ज़िंदगी डायलिसिस पे गुजारे या वो ट्रांसप्लांट ले ले, लेकिन चांस है कि वो वर्क नहीं करे और फिर वो शायद मर सके, सही है। तो ऐसी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस पे जो है ना वो जनरली कोई सब वो क्या कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम लाइक फाइनेंशियल और ऐसे एस्पेक्ट पे देखेगा, बंदे की जिंदगी के तौर पे नहीं देखे शायद इस सेंस में। ठीक है। अच्छा जैसे मैं इसकी इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, दे टेंड टू गिव वेरी कोल्ड रिस्पॉन्स। अब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल ऑपरेट होते हुए किसी का इंतकाल हो गया, ठीक है? डॉक्टर ऑपरेट कर रहे थे और जाहिर है वो नहीं बचा सके लाइफ, ठीक है? तो अब जब डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर बात करने का एक तरीका होता है डॉक्टर का ना, वो आएगा वो डायरेक्ट से आगे नहीं बोलेगा कि भाई चले गए, वो आएगा धीरे धीरे, यानी कोई ग्राउंड बनाएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर वो यानी समझाएगा इस अंदाज से कि वो कुछ कहेगा भी नहीं और पेशेंट को बात समझ में आ जाएगी। कि आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो, डायरेक्ट कुछ लोग कुछ कहते नहीं है लेकिन वो बात इस तरह से समझा देते हैं कि भाई उनकी बात समझ में आ जाती है। तो वही कह रहे थे टीम टू की वेरी कोल्ड रिस्पॉन्सेस। अब अगर आप मेडिकल सिचुएशन के अंदर एक्सपर्ट सिस्टम लगाते हो और उसकी उसी में अगर कोई लेट सपोज बंदा एक्सपायर हो जाता है तो ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है फिर वो उस तरह से रिस्पॉन्स तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ वही रिस्पॉन्स दे पाएगा जो रिस्पॉन्स उसमें फीड हुआ हो। तो ये उसकी एक एग्जाम्पल हो सकती है कि अगर आप एक्सपर्ट सिस्टम कुछ ऐसी सिचुएशंस में लगाते हो कि मेडिकल सिचुएशंस में जहाँ पे बहुत ध्यान से आपने बात करनी है तो वहां पे फिर ये समटाइम अच्छा बिहेव नहीं करता। ये उसकी एग्जाम्पल है, दे आर ओनली। अच्छा ये बात आ गई, फिर उसके अलावा कि दे आर ओनली गुड एज द इंफॉर्मेशन फैक्ट्स एंटर इन टू द सिस्टम। अब आप मुझसे अगर कोई सिलेबस से हटके बात पूछ लेते हो सकता है मुझे उसके बारे में नॉलेज हो तो मैं आपको फिर उसका जवाब दे भी देता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आप मेरी जगह एक्सपर्ट सिस्टम से पढ़ रहे होगे तो आप अगर उससे आउट ऑफ द सिलेबस कोई और बात पूछोगे तो फिर उसके पास जो है ना उस बात का जवाब नहीं होगा। तो कहते हैं ना कि दे आर ओनली एज गुड एज इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स एंटर्ड इन टू द सिस्टम। तो जो कुछ सिस्टम में दिया गया है बस वो उसी के हिसाब से जवाब दे सकते। तो आई थिंक इसके भी आपके पास 3 पॉइंट्स अगर आप कर लोगे दैट वुड बी इनफ फॉर दिस, ठीक है? आखिरी चीज इसकी है मशीन लर्निंग।
यहाँ हमने ऊपर बात कर ली थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैमिली के दो मेंबर्स होते हैं, एक एक्सपर्ट सिस्टम होता है जो हमने बात की कि द सबसेट्स ऑफ एन एआई दैट मिमिक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन यूजिंग एक्सपर्ट नॉलेज। दूसरी चीज आ जाती है मशीन लर्निंग। एक्सपर्ट सिस्टम में तो हम सारा डाटा खुद फीड करते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता। मशीन लर्निंग में वो जो भी डाटा, कह रहे हैं ना कि सब सिस्टम ऑफ एआई दैट यूजेस डाटा टू इनेबल मशीन्स टू बी ट्रेन्ड एंड लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। मशीन जो फीडबैक ले रही होती है ना, मशीन फीडबैक ले रही होती है, तो उस फीडबैक से वो डाटा जो है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस बेहतर करता है। यहाँ पर उसने वो एग्जाम्पल दिए मैं शुरू में देता रहा हूँ कि जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो, ठीक है, चैट जीपीटी, हाँ चैट जीपीटी है, क्योंकि चैट जीपीटी में अगर आप एक सवाल लिखते हो और उसका आपको कोई जवाब मिलता है, क्या अगली दफा अगले दिन अगर वही सवाल लिखोगे क्या वही जवाब मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक, ऐसा है? नहीं, क्योंकि जाहिर है उसी सवाल को हो सकता है मजीद उस 24 घंटे में 3,000 लोगों ने सर्च किया, ठीक है ना, और या उसने कोई ना कोई अच्छा सर्च करने के साथ साथ पीछे बैकग्राउंड में वो फ्रॉम द इंटरनेट डेटा सर्च भी तो कर रहा होता है ना सब उन सवालों, ठीक है ना। तो कहता है कि एआई की जो सबसेट है मशीन लर्निंग है, जिसमें एल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं एंड दे लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एग्जाम्पल्स, ये वाली चीज आ जाएगी। तो टू मेक प्रिडिक्शंस इवन टेक डिसीजन बेस्ड ऑन प्रीवियस सिनारियो, ठीक है। तो उसकी एग्जाम्पल उसने दी है मशीन लर्निंग की, वो ये दिए कि अगर आप कोई वेबसाइट का नाम सर्च करते हो, ठीक है, तो वो वेबसाइट का नाम लिखा आपने और आपको उसके, जैसे हम कोई टॉपिक पे सर्च करते हैं, जैसे मैं सरोगेट्स के ऊपर लेट सपोज बात करता हूँ, सर्च इंजन में ऑलरेडी सर्च वेबसाइट्स आ जाती हैं, आ तो जाती हैं, लेकिन क्या वो वेबसाइट आपके काम की है? ऐसा भी तो है ना कि आप सबके सब जब सर्च करते हो तो आप हमेशा, आपको डाटा आपकी पहली वेबसाइट से मिल जाता है। जब भी आप किसी भी चीज को सर्च करने जाते हो तो क्या आपको आपका डाटा उस सर्च की गई वेबसाइट्स की बिल्कुल फर्स्ट वेबसाइट पे मिल जाता है? 100% मिल जाता है। हाँ जी, फीडबैक दो, नो ऐसा सर, है? नहीं है ना, मतलब हम दूसरी पे भी जाते हैं, तीसरी पे भी जाते हैं, समटाइम हम नीचे जो 1, 2, 3, 4 पेज नंबर दिए गए होते हैं वहां तक भी चले जाते हैं, ऐसा है? तो वो ये कहता है कि यूजर कीन देयर सर्च इंजन क्राइटेरिया इन टू द सर्च इंजन, ठीक है, आपने सर्च इंजन में क्राइटेरिया डाला, और फिर क्या करता है कि सर्च बॉट्स जो होते हैं वो फिर लोकेट करते हैं वेबसाइट्स को यूजर के क्राइटेरिया के हिसाब से। आसान सी एग्जांपल, मैं पास्ट पेपर कंप्यूटर साइंस लिखता हूँ, तो पास्ट पेपर कंप्यूटर साइंस के लिए मुझे जीसी गाइड भी नजर आएगी, डायनेमिक वेबसाइट, डायनेमिक पेपर भी नजर आएगी, पापा कैम्ब्रिज भी नजर आएगी, एक्सट्रीम पेपर भी नजर आएगी, पास्ट पेपर्स डॉट सीओ भी नजर आएगी, ऐसा ही है, तो बहुत सारी सर्चेस आ जाएंगी। तो कहते हैं कि यूजर सिलेक्ट वन ऑफ द वेबसाइट फाउंड ऑन पेज वन, ठीक है, पेज वन पे आपको रोक पेपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर यूजर को वेब पेज वन पे मिल गया, ठीक है, तो सर्च इंजन उस वेबसाइट को मार्क कर देगा एज सक्सेस कि भाई यूजर को पहली ही पेज के ऊपर सब मिल गया, क्योंकि जो रेलेवेंट पेज था वो मिल गया। बट अगर यूजर दूसरे, तीसरे, चौथे पेज के ऊपर भी जा रहा है, तो फिर सर्च इंजन अपनी सर्च को एज टैग करेगा फेलियर के तौर पर, क्योंकि रेलिवेंट पेज पेज नंबर वन पे नहीं मिला। तो इससे क्या हुआ, अब हर दफा ये नहीं होने वाला, अगर एक बार उसने फॉल्स या फेलियर दे दिया तो इसका मतलब है कि अब आप भले ही सर्च कर रहे हो ना कर रहे हो, वो पीछे से अपनी सर्चिंग शुरू कर देगा और वो फिर कोशिश करेगा बेस्ट सर्चेज आपके सामने लाने की। तो वो कहता है ना कि अगर वो सही सर्च नहीं आएगा तो फिर दोबारा जब सर्च करोगे तो वो बेटर सर्च देने की कोशिश करेगा। तो द सर्च इंजन विल लर्न फ्रॉम द पास्ट परफॉर्मेंस, तो वो जब नेक्स्ट टाइम अगर वो रैंक वन के ऊपर किसी वेबसाइट को ला रहा होगा और आप यूजर उस पर नहीं टिक रहा, तो अब वो उस वेबसाइट को रैंक वन पे नहीं लाएगा, वो उसको नीचे कर देगा। यूजर जितना ज्यादा जिस वेबसाइट की तरफ जाता है उससे ये अंदाजा होता है कि उस वेबसाइट पे रेलिवेंट डाटा मौजूद है, तो वो फिर उसको रैंक में वन करता है। तो यही तो कह रहा है कि सर्च इंजन में उसने कहा कि मीनिंग इट्स एबिलिटी टू कैरी आउट सर्चेस बिकम्स मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड एंड एक्यूरेट, इसकी वजह से सोफिस्टिकेटेड एंड एक्यूरेट हो जाती है। और फिर इसके बाद अब जो डिफरेंसेस हैं जरूर याद रख लेना कि एआई और मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो इसमें एआई की क्या करता है, रिप्रेजेंट सिमुलेटेड इंटेलिजेंस इन मशीन, ठीक है,
और एआई का काम होता है कि बिल्ड मशीन्स दैट आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग लाइक ह्यूमंस। एआई में ये काम हो रहा होता है, बट मशीन लर्निंग में हम करते हैं कि दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग मशीन्स टू मेक डिसीजन विदाउट बीइंग प्रोग्राम टू डू सो। ठीक है ना, तो मशीन लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट कर रही होती है, टेस्ला एग्जाम्पल है बिल्कुल इसकी। द एम इज टू मेक मशीन्स दैट लर्न थ्रू द डाटा एक्विजिशन। अब यहाँ तो हमने बात की थी ना कि एआई के अंदर क्या होता है, दैट आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग ह्यूमन, ऐसी मशीन बनाओ जो ह्यूमन की तरह सोचती हो। लेकिन हम दूसरी तरफ बात करेंगे मशीन लर्निंग की, तो वो कह रहा है कि जो भी डाटा आपका आएगा वो डाटा एक्विजिशन यानी डाटा फीड होगा, सो दैट दे कैन सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम। ये इसके दो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आएंगे। कोई सवाल पूछ रहा था, सवाल पूछ लो। है किसी का सवाल? नहीं, तो ये तो बच्चों चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा यहाँ पे एंड होता है, एआई और मशीन लर्निंग। जी मेरा सवाल है। जी सर, सर मैंने पूछना था, अब तो समझ आ गई, मगर मशीन लर्निंग में और एक्सपर्ट सिस्टम में मेजर डिफरेंस क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर जो भी डेटा डाला जा रहा होता है ना, वो थ्रू द ह्यूमन ही डाला जा रहा होता है, ठीक है? मतलब जी वो डाटा एक लिमिटेड और स्पेसिफिक होता है, बट मशीन जी लर्निंग का डाटा वो होता है कि वो डाटा एक्वायर करता है थ्रू द इंटरनेट कह सकते हो, ठीक है, या थ्रू द डिफरेंट सोर्सेस। तो वो हमेशा जो भी डाटा एक्वायर करता है वो पास्ट एक्सपीरियंस ही डाटा को लेके डाटा को इन्हांस और इम्प्रूव कर रहा होता है। तो देयर इज अ चांस कि एक्सपर्ट ओके सिस्टम, अगर आप कोई कह सकते हो कि अगर स्कोप से बाहर कोई सवाल पूछ लो तो वो जवाब ना दे पाए, बट मशीन लर्निंग वो जवाब हो सकता है दे दे। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। यस। एक सवाल है, विच चैप्टर्स डू वी हैव टू गिव मोस्ट अटेंशन टू? देखो पेपर तो जो बनता है वो कहीं ना कहीं सारे ही मतलब टॉपिक्स को, चैप्टर्स को लेके चल रहा होता है, बट ये है कि जो मैंने देखा है कि मोस्ट वेटेड टॉपिक अगर आप इन टर्म्स ऑफ पेपर बात करो, चैप्टर नंबर 1 जरूर आता है, और उसके अंदर तो काफी सारी चीजें, यानी तमाम कन्वर्जन आ रही होती हैं, ठीक है, और उसके अलावा ये बाइनरी एडिशन आ गया, लॉजिकल शिफ्टिंग आ गया, ये मुझे तकरीबन नजर आया है हर जगह, चैप्टर नंबर 1 तो, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। फिर उसके बाद अगर आप देखो चैप्टर 2 थोड़ा कम है, मतलब चैप्टर 2 में यही है आपके पास, सीरियल, पैरेलल, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, और उसके बाद सिमेट्रिक, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन और उसके टाइप्स। तो चैप्टर 1 अगर आप कर ले तो अच्छा। चैप्टर 3 के अंदर बच्चे परेशान होते हैं कि सर वो इतनी सारे इनपुट डिवाइसेस और स्टोरेज, तो वो जाहिर है उसकी वर्किंग तो है नहीं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी जो आपको देनी है वो चैप्टर 3 में देनी है। चैप्टर 3 मोस्ट कवर्ड करता है, चैप्टर 1 और चैप्टर 3 ये बहुत डाटा कवर करते हैं आपके। ये मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, अगर आप सीक्वेंस वाइज करना चाहोगे हाँ भाई हम किन चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, तो 1 आ गया, 1 के बाद 3 आ गया, व्हाट डू यू थिंक तीसरा नाम किसका लूंगा मैं? फाइव। फाइव वेरी नाइस, फाइव चैप्टर नंबर 5, वो बहुत कुछ कवर करता है, उसमें पूरा सिक्योरिटी ये वो काफी सारा जो है वो इसके ऊपर है, इस तरह से ये बैलेंस होता है। तो 1 3 5 हो गया पहले ऑर्ड में, उसके बाद फिर आप जाओगे तो फिर आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4। मैं प्रायोरिटी बेस बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 से डेफिनेटली हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, आईडीई, जनरल एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो था ना क्या था इसका, जनरल फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें। तो फिर 4 आ जाता है, 4 के बाद फिर आपके पास आ जाएगा 6। 6 का तकरीबन हर साल में सवाल बन रहा है, वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपके पास आता है वो चैप्टर 2 आता है। कोई इससे इख्तिलाफ कर सकता है कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा है, किसी को लगता सर, है या ये सही है? हाँ जी मेहदी, कब ऐसा ना, मैं चैप्टर 6 को प्रायोरिटी देनी चाहिए, चैप्टर देनी चाहिए? 6 को इस साल, क्योंकि बिल्कुल इस यूनियन साल? एडिट है और पिछले साल उसके एक क्वेश्चन आया, इस साल 2 से 3 आ सकता है। देखो 2 से 3, 2 से 3 तो थोड़ी मुश्किल बात है, सवाल एक ही आता है उसके पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको, मैं यही रोक के आपको मैं फॉरन इसके जरा पास पेपर के क्वेश्चंस दिखाता हूँ। सर एक्सपर्ट सिस्टम की एग्जाम्पल आप रिपीट कर सकते हैं? एग्जाम्पल कौन सी वाली? मैं पहले मिनट ये मैं थोड़ा बाद में जवाब देता हूँ, पहले मैं एक वो दिखा दूँ आप लोगों को जो इसके क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा वो पहले आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, तो मैं पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि अब हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया ना आज ही आज में, तो अब हम ये देखेंगे
इसके सवाल जो हैं वो कैसे आते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, वर्कशॉप क्लास सेम टाइमिंग में होगी? कल सेम टाइमिंग पे होगी और कल वन से शुरू कराऊंगा, ठीक है। ओके सर, हम लोग पास और पेपर्स आप कब करेंगे? कल पास पेपर से ही करवाऊंगा, आज सिर्फ इससे कराया, कल जो मैं जाऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आऊंगा। सर हाँ अच्छा जी सर, जब क्लास शुरू होने लगा करे तो वो लाइक 5 मिनट्स पहले आप ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हैं, ज्वाइन एवरीवन विद द लिंक। अच्छा ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखो, ये मैं अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम शोइंग यू, विवेक कोई सवाल है? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम हर क्लास में एक चैप्टर करेंगे क्या? हर क्लास में एक चैप्टर, कोशिश तो मेरी यही है, अंत ओके सर। तो हो जाएगा इंशाल्लाह। चैप्टर 6 जैसे आप किया ना, अब इस वाले के लिए मैं ये चाहूंगा कि इस वाले के क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि ये अभी हमने रिसेंटली किया है कवर, और वो इसलिए किया था कि आपको ये इत्मीनान हो जाए सिलेबस कवर हो गया। आपके सिलेबस में मेरे एंड पे सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है फाइल फाइल हैंडलिंग। हैंडलिंग से फाइल हैंडलिंग, ठीक है ना। तो वो भी मैं बीच में अभी किसी दिन के अंदर अंदर करा दूंगा, रेस्ट सारी चीजें आपकी यहाँ पर हो गई। तो अब जो मैं आपको एक्सपर्ट से वो जो क्वेश्चंस बता रहा था, वो मैं इसलिए क्योंकि मैंने अभी पढ़ा दिया है, और मैं ये चाहूंगा कि आप आज रात तक हर सूरत इसके चैप्टर नंबर 6 के जो क्वेश्चंस हैं उसको लेके बैठो, ठीक है। और पहले खुद से उसका आंसर करो, एंड देन यू विल गो टू द मार्किंग स्कीम, और फिर मार्किंग स्कीम से चेक करो कि आपने जो लिखा है उस हिसाब से उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। थ्योरेटिकल ज्यादा लिखना है, यानी याद करके आपने लिखना होगा, ठीक है। तो ज्यादा बेटर होगा कि फिर आप जो है उसको मार्किंग की से फॉलो कर लो। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कोई भी सवाल चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड नहीं मिल रहा, ये अक्टूबर नवंबर है, ठीक है। सर हाँ जी, हम वर्कबुक से क्यों नहीं करते हैं? वर्कबुक से भी करेंगे, इससे भी कर लेंगे, वर्कबुक से भी कर लेंगे, ठीक है। पहले मैं पास पेपर से भी, मैं दोनों चीजें कराऊंगा पैरेलल, वर्कबुक भी कराऊंगा और ये भी कराऊंगा। तो अक्टूबर नवंबर के एक वेरिएंट के अंदर तो मुझे यहाँ पर कहीं पे भी जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा। कोई और सवाल किसी का? चैप्टर 6 से नहीं मिल रहा, सेकंड पेपर पे आ गया हूँ, सीपीयू फेच एग्जीक्यूशन साइकिल चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 साइबर सिक्योरिटी थ्रेड। देखो ना, साइबर सिक्योरिटी थ्रेड के ऊपर उसने 4 मार्क, एक पूछे, दो एक पूछे, छः, छः के बाद छः, 12, चैप्टर नंबर 5 से 12। देखो ये आ गया, अब देखो अब हम यहाँ पर आ गए जो हमने बातें की हैं, ठीक है। इस एक सवाल को अभी फौरन देखेंगे कि अ बिजनेस सिस्टम हैज अ सिस्टम दैट इज डिस्क्राइबिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेट वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई, क्या हो सकती है बताओ। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा, यस विवेक सर बता। इट सिम्युलेट्स ह्यूमन लाइक लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन बता सकता है? आई नीड टू, क्योंकि आप पढ़ाया ना मैंने, तो अब मैं ज्यादा खुद से नहीं बताऊंगा। वुड लाइक टू सर इसकी पीडीएफ, हाँ इसकी पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ठीक है। लाइब्रेरी रूटीन वगैरह सब कॉग्निटिव करवा दिया मैंने। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन कैन बी रेप्लिकेटेड यूजिंग द मशीन सच एज स्पीकिंग। ठीक है, ये भी हो सकता है, और उसके अलावा अब पढ़ा सर तो ये तो सबने एक ना, मार्क का क्या सवाल जवाब है दे सर, सकते। हाँ दोबारा बोलो, ये तो सिर्फ एक मार्क का सवाल है ना, तो सिर्फ एक ही पॉइंट एक ही सही मार्क का होगी। सवाल है, तो उस एक मार्क के लिए अगर हम इसको लिखते हैं तो ठीक है, ये तो सही हो सकता है कि मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई में क्या है, दोबारा से बताना मैडी क्या बता रहे थे आप। यस मैडी, आ रही है बस। द मशीन कैन रेप्लिकेट द कॉग्निटिव फंक्शन सच एज स्पीकिंग। ठीक है, तो इसका जो बेहतर जवाब हो सकता है, इट सिम्युलेट्स द ह्यूमन इंटेलिजेंस, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। एआई क्या करता है, मिमिक करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, ऐसा ही है, जो भी हमारे इंटेलिजेंस है उसको कॉपी डाउन करता है वो। तो एक चीज तो ये आप लिख सकते हो कि इट सिम्युलेट्स द ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये इसका बेटर आंसर हो सकता है। अच्छा, अब साथ साथ एक्सप्लेन हाउ एक्सपर्ट सिस्टम ऑपरेट, इसके बारे में क्या बताओगे। देखो 6 मार्क का सवाल आया है, और फिर उसके, हाँ ठीक है, 6 और 1 7, 7 मार्क का सवाल आया है। तो एक्सप्लेन हाउ एक्सपर्ट सिस्टम ऑपरेट, कोई बताना चाहेगा क्या क्या कर सकता है तो ये, मैं बता दूं बताओ। सर, अभी वो डिस्क्रिप्शन तो नहीं है लेकिन
मैं आपको वो बता दूं कि क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो सकती है। बिल्कुल बताओ। यूजर इंटरफेस, इंटरफेरेंस बॉक्स, नॉलेज बेस एंड पांच चीजें तो हमने पढ़ी है ना। एक्सप्लेनेशन सिस्टम हो गया, इंटरफेरेंस। सर मैं बता दूं हाँ जी बताइए। जी सर, तो सबसे पहले इसमें यूज़र इंटरफेस होता है, सही है? ये यूजर वो इफ इंटरफेस होता है। स्टेटमेंट वाली, इफ स्टेटमेंट पे बेस होता है, तो सवाल पूछता है और हम ऑब्वियसली जवाब देते हैं, और फिर यूज़र इंटरफेस है वो इन्फ्रेंस इंजन पे जाता है, और इन्फ्रेंस इंजन वो नॉलेज बेस को सर्च करता है और चेक करता है कि अगर वो रूल्स बेस से फिर वो फिल्टर आउट कर देता है कुछ इन्फॉर्मेशन, और चेक करता है कि अगर वो उस रूल्स को फॉलो कर रही है। फिर उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन सिस्टम पे आता है, जो आई थिंक वो सॉर्टिंग करता है शायद, एक्सप्लेनेशन सिस्टम सॉर्टिंग करता है, और सीधा फिर वो यूज़र इंटरफेस पे वो आउटपुट होती है। ठीक है, वेरी गुड। अब आप देखो कि जब उसने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई पूछा, तब आप देखो यहाँ पे मैं बताया सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंट बिहेवियर, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, और एआई क्या करता है, द एबिलिटी टू लर्न एडॉप्ट मशीन लर्निंग एबिलिटीज। एआई ये वाला काम भी करता है। ठीक है, और एआई क्या करता है, द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड रूल्स ऑफ यूजिंग दैट डाटा। तो ये तो आप 1 मार्क का लिख दोगे। अब वो जो एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में था कि हाउ इट वर्क्स, तो आप जैसे अभी बता रहे थे विवेक के, इट हैज एन इंटरफेस। एक एक्सपर्ट सिस्टम का एक इंटरफेस होता है। अब आपने इसको पूरा एक पॉइंट बना के लिखना, इट हैज एन इंटरफेस विच इज यूज्ड टू इनपुट द डाटा। एक बात, इट हैज अ नॉलेज बेस एंड अ रूल बेस विद इन्फेरेंस इंजन। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया। एंड देन दे अप्लाई द रूल बेस, ठीक है, टू प्रोवाइड आउटपुट्स और टू डायग्नोस व्हाट एवर द प्रॉब्लम इज। तो ये भी आप लिख सकते हो। और सबसे आखिर में, एंड डिसाइड व्हाट टू आस्क नेक्स्ट बेस्ड ऑन द इनपुट डाटा। ये 6 मार्क का है आपका। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसके अंदर हाउ एक्सपर्ट सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, अब जैसे एक बड़ा अच्छा जवाब आया कि एक्सपर्ट सिस्टम हैज अ नॉलेज बेस दैट हैज ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स। वेरी गुड आंसर। एक्सपर्ट सिस्टम हैज अ नॉलेज बेस दैट हैज ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स एज इंफॉर्मेशन। आर रूल बेस कंटेन रूल्स टू आइडेंटिफाई ईच ऑब्जेक्ट। एंड इन्फेरेंस इंजन अप्लाई द रूल बेस टू द नॉलेज बेस टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूजर इंटरफेस। इट ऑल्सो डिसाइड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन टू आस्क एंड एक्सप्लेनेशन सिस्टम एक्सप्लेन द आउटपुट टू द यूजर। ये आंसर मैं आप लोगों से ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ, तो यहाँ से आप देखोगे कि इसका पूरा पूरा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखो, एक तो ये बात कर दी कि एक इंटरफेस होना चाहिए, एक नॉलेज बेस होगी, एक रूल बेस होगी, एक इन्फेरेंस इंजन होगी। 4 मार्क वो आपको सीधे सीधे यही मिल गए। अब वो क्या करेगा, अप्लाई द रूल बेस। ठीक है, रूल बेस अप्लाई करेगा, सही है, कहाँ पर, नॉलेज बेस के ऊपर, टू प्रोवाइड द आउटपुट ताकि आउटपुट निकल सके, और डिसाइड करेगा कि अब नेक्स्ट सेट ऑफ इनपुट क्या लेना है। बच्चों यहां तक सारी बातें आप लोगों को क्लियरली समझ में आती है? सर हाँ जी एक सर। फालतू सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सर अगर असली ज़िंदगी में बात करें तो सर अगर किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी ना, कि वो बार बार हम इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं और बार बार सवाल पूछ रहा है, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगी ना? बार बार मतलब तुम क्या चाह रहे हो कि रिपीटेटिव क्वेश्चन ना पूछे? नहीं सर, जैसे एक्यूनेटर की बात कर रहे थे, तो सर एक्यूनेटर की अगर बात कर रहे थे। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे। इसी तरीके से कहीं कुछ एक्सपर्ट सिस्टम मेडिकल में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और अगर ठीक है। अर्जेंट डिसीजन चाहिए या अर्जेंट नॉलेज चाहिए किसी चीज़ के बारे में भी, तो वो तो सर फिर काफ़ी अच्छा, लंबा हो जाएगा एक्यूनेटर को ना? फिर उससे, एक्यूनेटर को फिर उससे कंपेयर थोड़ी करो। एक्यूनेटर तो इज जस्ट अ गेम। जैसे अगर मेडिकल डायग्नोसिस की तुम बात करोगे, मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट। तुम ये बोलोगे कि यार मेडिकल के अंदर अगर ज्यादा सवाल हो रहे हैं और हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, तो फिर एक्सपर्ट सिस्टम भी तो ऐसा बनाया जाएगा कि जो फिर प्रिसाइज रिजल्ट दे हमें। फिर हम इस चीज का ख्याल रखेंगे, क्योंकि फिर उसके अंदर देखो, एक्सपर्ट सिस्टम इज द सबसेट ऑफ एआई, तो उसके अंदर दूसरी चीज मशीन लर्निंग भी तो है ना। अभी आपने अगर यहाँ से मैं आपको दोबारा शेयर करूँ, आप तो इसको देखो ना, इसमें ये बात नहीं बोलो कि आप जब उसके ऊपर जाओगे मेडिकल डायग्नोस्टिक में, तो फिर आप सिर्फ एक्सपर्ट सिस्टम की बात थोड़ी करोगे, फिर आप बात करोगे एक्सपर्ट सिस्टम प्लस मशीन लर्निंग। तो फिर जब एक्सपर्ट सिस्टम मशीन लर्निंग लगाओगे, तो फिर तो वो एआई बन जाएगा ना, फिर देगा सही जवाब, फिर इसका रिस्पॉन्स रेट फैस्टर हो सकता है। सर तो आपका मतलब एग्जैक्टली, हम कंबाइन कर दें दोनों को? तो एआई है क्या? ओ ओके अभी सर, जो हमने बात की थी, जो भी हम पढ़ रहे थे और जो डायग्राम आपने देखी थी, तो वो डायग्राम किसके ऊपर बेस कर रही थी? एक सर्कल बना हुआ था। अगर आप देखो, मैं इसी के ऊपर आपको बना के दिखा देता हूँ।
जो अभी हम बात कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि एक एक्सपर्ट सिस्टम, कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है जैसे, यहीं पर मैं अगर बताऊं आपको, चलो यहाँ देख लेते हैं। तो आपने देखा नहीं था कि वो कह रहा था कि जब एआई की बात कर रहा था, तो एआई के अंदर जब उसने बताया था तो ऐसे सर्कल बना हुआ था, तो सर्कल के अंदर आपके पास दो चीजें आ रही थी ना, एक एक्सपर्ट सिस्टम आ रहा था और एक मशीन लर्निंग आ रही थी, आ रहा था, तो सबसेट ऑफ एआई हुआ ना। तो अगर आप जो कह रहे हो कि एक्सपर्ट सिस्टम लगाएंगे और उसमें कोई फजूल सवाल आ सकते हैं, तो फिर मशीन लर्निंग भी तो है ना उसके अंदर। मशीन लर्निंग क्या करेगी, उसको फिल्टर आउट करेगी। आया समझ में? तो सर इसका मतलब है कोई सी भी चीज़ अगर कहते हैं वो एआई है तो इसके अंदर मशीन लर्निंग और अच्छा एक्सपर्ट सिस्टम लाज, शामिल होते हाँ अब क्या? ये सवाल तुम्हारा अच्छा, ये लाजमी नहीं है। हो सकता है कि एक एक्सपर्ट सिस्टम विदाउट मशीन लर्निंग हो। जब वो विदाउट मशीन लर्निंग होगा तो फिर वो डाटा जो है वो एक्वायर नहीं करेगा, फिर वो सिस्टम से डाटा एक्वायर नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सपर्ट सिस्टम है तो एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो डाटा उसको दिया गया है, ठीक है, तो वो ओनली उसी के ऊपर बेस कर रहा होगा, ओनली बेस्ड ऑन द डाटा स्टोर्ड, बेस्ड ऑन द डाटा स्टोर्ड। क्या ये बात समझ में आती है? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, तो इसका फिर ये मतलब है कि फिर इंसान का फर्ज है कि वो हर साल डेटा अपडेट करे एक्सपर्ट सिस्टम में। हाँ जाहिर है, ओके एक्सपर्ट सर, सिस्टम बेस्ड ही कर रहा होगा ह्यूमन के ऊपर। अगर आप अपनी जान छुड़ाना चाहते हो, देन इसको इंटरलिंक कर दोगे मशीन लर्निंग के साथ, फिर इंटीग्रेट कर दो, फिर आपकी जान छूट जाएगी भाई। एक एक्सपर्ट सिस्टम था जी जिसमें सर पास समझ आ पेपर गया। थे, एक एक्सपर्ट सिस्टम था जिसमें पास पेपर्स थे। अब 2023 का पास पेपर हो गया, अब जब 2023 का पास पेपर रिलीज हुआ, ठीक है, तो रिलीज होने के बाद मशीन लर्निंग के जरिए ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर वो 2023 का पेपर आ जाएगा। लेकिन अगर एक्सपर्ट सिस्टम की मशीन लर्निंग के अलावा बात करोगे, तो जब तक ह्यूमन उसके अंदर नॉलेज बेस में 2023 का पेपर नहीं डालेगा, उसमें आएगा ही नहीं। सही है, ठीक है बच्चों, तो इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, और कल इसके 10-15 मिनट में एआई के जो भी सवाल रह जाएंगे, यानी एक्सपर्ट सिस्टम के तकरीबन आई गेस हम कुल मिला के भी देखें तो 6-7 सवाल होंगे, वो सवाल हम शुरू के 15-20 मिनट में करेंगे, और फिर हम आ जाएंगे चैप्टर 1 पे। और फिर उसका सीक्वेंस जैसे मैंने आपको बताया ना, 1 3 5, हम 1 3 5 पहले करेंगे, फिर हम आएंगे 4 पे, फिर हम 6 और फिर 2 करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। सर 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 आप हम सर मॉक्स के लिए बता देंगे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं? अब वो तो सारे ही हैं भाई, और सर मॉक्स तो 19th को है ना, सारे हैं कंफर्म कर रहा हूँ 19th को है ना? भाई। मॉक का मैंने बताया था कि 19 को है, ठीक है, मॉक 19 को है, 19 इज द संडे, ठीक सर है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग बता दो आप लोगों के लिए क्या सूटेबल रहेगी सर संडे को। थोड़ा सा सुबह हुआ में कर लेना, क्योंकि सर बात ये है कि मेरी ग्रेजुएशन है ना, अच्छा सुबह तो में सर क्या कर वो सकते, 3 से 5 तो हमारी क्लास है, ठीक है। अब क्लास से पहले देना या बाद में देना वो आप बता दो।